वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। विल जस्ट स्टार्ट नाउ क्विकली। आप लोग अपना अटेंडेंस जल्दी से बता दीजिए। आप सभी लोग आ चुके हैं, ऑल ऑफ यू। चलो स्टूडेंट जल्दी से बता दो। तब तक अरे अब क्या कहें, लड्डू तुम नहीं आई थी जल्दी। ये हाथ से नहीं मिटता है। लड्डू तुम नहीं आई थी जल्दी। ये हाथ से नहीं सारे स्टूडेंट ठीक है। अभी सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अभी ये करो, जल्द सबको हाय और ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट जोर से बोलो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और अपना अपना नाम बोलो। माय नेम इज और स्कूल बताओ। वी आर अ सीनियर केजी। सीनियर केजी। और तुम भी? वी आर सीनियर केजी। आई एम ग्रुप 10 ग्रुप एंड आई एम ग्रुप 6 ग्रुप 9 आई एम ग्रुप 9 चलो ठीक है। चलो सबको टाटा करो, टाटा ऐसे टाटा करो, टाटा। ओके 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 ओके। अच्छा जब बस हो गया मेरे को पढ़ाना है पापा को, बस बाद में ठीक है, शाम को भी। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दरवाजा बंद करना पूरा, उसको पूरा बंद करो, पूरा बंद ना। छोड़ बस एक मिनट देना। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब जाके थोड़ा सा रिजॉल्व हो रहे, तो बहुत महाभारत हो जाती थी। तो अब थोड़ा सा ये हो गया कि सॉर्ट आउट हो चुका है। बट चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। वी लेट्स स्टार्ट विद दिस। टारगेट के बेस चलेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आज को बता दिया आपको टारगेट हमें कहाँ तक कम्प्लीट करना है। हमें कम्प्लीट करना है, अब अगर मैं पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस बता दूँ तो स्टूडेंट्स बताओ हम कहाँ पे हैं अभी। हमने ये कर लिया है, ये सेक्शन 9 पर है। 9-1 में सबसे बड़ा हिस्सा हमने देख लिया था ब्रेक के पहले, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू इंडीड। डॉटर्स आर ऑलवेज फादर्स प्रिंसेस, वो तो पक्की बात है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में 9-1-1 में मैंने आपको इनडायरेक्ट ट्रांसफर बताया था, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरी जो बात थी जो बिजनेस कनेक्शन के वाला पॉइंट, मैंने आपको वो चीज़ करवा दिया था। इंटर ट्रांसफर पे स्टूडेंट थोड़ा खासा ध्यान रखना आप सभी लोग। अब ये कब तक चलेगा? आज शाम तक 6 बजे तक चलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप दो नोटिस करना, 195 है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अभी है, 1991 बेसिक प्रिंसिपल डी टी डब्ल्यू जल्दी करवा के इक्वलाइजेशन लेवी करके कंप्लीट करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ब्रेक के पहले। मैंने बता दिया था आप लोग को यहां तक हमने कंप्लीट कर ली थी, यही था ना ब्रेक के पहले, कंफर्म करो सभी लोग। अब यही हमने किया था। अब स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं यहां पे 5 जो कि इंटरेस्ट को है, 6 जो कि रॉयल्टी को है, एंड 7 जो कि एफटीएस को है। 5 इंटरेस्ट। थैंक यू क्रिश, थैंक यू वेरी मच।
देखिए अपने को पूरी ग्रीन सिग्नल है आईसीआई की तरफ से भी, और उन्होंने भी पूरे सपोर्ट किया है। नहीं तो क्या हो जाता है ना, दिक्कत हो जाती कि वो हो जाता था कि कंस्टेंट है। मैं अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली करवा दूंगा आप लोग को रिवीजन, जो टॉपिक्स जो असाइन भी किए हैं। कल भी मेरा सेशन है, कल का सेशन स्टूडेंट जो होगा वो हम लोग 8:30 को स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग 8:30 को कल का सेशन है। और कल ट्रांसफर NRI टैक्सेशन करना है हमें, FII ट्रांसफर प्राइसिंग, ये कल का एजेंडा में पूरा कंप्लीट करना है हमको, ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन 13th को मैंने कंपनी असेसमेंट लेना है और उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद PGBP का एक स्लॉट होगा। अब PGBP का स्लॉट हो सकता है थोड़ा स्पिल ओवर हो जाए, तो 14 और 15th को हम लोग देख लेंगे, दैट वी कैन मैनेज इट इन 14th एंड 15th। डिड यू ऑल गॉट द सम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अभी ये मैंने अपना शेड्यूल आपको बता दिया है इस कॉन्टेस्ट में। अच्छा, 14th एंड 15th को यहाँ पे आपको रवि सर का भी लेक्चर होगा, अमित सर के भी लेक्चर्स होंगे 14th एंड 15th को। 14th और 15th मेरा स्पिल ओवर अगर होगा, स्पिल ओवर अगर होगा मतलब थोड़ा बहुत बचा रहेगा, तो मैं 14th 15th को करवा दूंगा, और 16th को सिद्धार्थ सर का लेक्चर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे अगर थोड़ा कोई स्पिल ओवर अगर होगा, एरिया थोड़ा बचा हुआ रहेगा, तो मैं वहाँ पे 14th और 15th में उनके बाद के लेक्चर में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, उतनी मुझे हरी झंडी दे दी गई है। चलिए अब इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड FTS पे आ जाते हैं स्टूडेंट। पहले आप इसका कंसेप्ट समझना स्टूडेंट। अभी तक जो हमने किया था इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अभी तक जो हमने किया था, इंदरजीत ने पूछा है कि सर कल की क्लास कब तक चलेगी। कल 6 बजे तक चलेगी, कल भी 6 बजे तक ही चलेगी कल की क्लास। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाए अब। चलो अभी जो मुझे अनाउंसमेंट करना था मैं एक बार लास्ट में फिर से अनाउंसमेंट कर दूंगा। अभी आप लोग स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड FTS, ये तीन इनकम है स्टूडेंट्स। ये तीन इनकम जो होगा ये आपका है पैसिव इनकम, दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉट एज अ पैसिव इनकम। आप इस पर्टिकुलर तीन इनकम के कॉन्टेक्स्ट में जो डीम्ड अक्रूवल बनता है इंडिया में, डीम्ड अक्रूवल जो बनेगा इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम एंड द FTS इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट, ये डीम्ड अक्रूवल है किसके बेसिस में बताओ जल्दी से। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हु इज द पेयर ऑफ द अमाउंट। एक चीज नोटिस करके चलना आप लोग स्टूडेंट्स, आइए नोट्स में आ जाओ, अपने नोट्स आप लोग भी किताब और ये रखना। अभी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि जो पहले ही पार्ट टू अभी देख रहा होगा पहली बार, तो पार्ट वन हो चुका है NR का वो आप लोग बाद में देख लेना, ठीक है। नोट्स आपको बना के चलने पड़ेंगे साथ साथ जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये लिखवाना है। पिछले तीन क्लास जो हो चुके हैं हमारे असेसमेंट के, उसमें मैंने आपको PDF दिया है, पेनाल्टीज का मैंने PDF दिया है, लेकिन यहाँ पे लिख के चलना पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए। जैसे आप समझ रहे हो वैसे आप लिखते जाओ साथ साथ में, ताकि वो कंसेप्ट हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाए। तो यहाँ पे जो 915 की जो इनकम है इंटरेस्ट इनकम, 916 की जो इनकम है रॉयल्टी एंड 917। तो पहले तो बात स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो होगा रॉयल्टी एंड FTS, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे सबसे पहली बात आपको बता दूं, इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड FTS, सबसे पहली चीज बताओ। पहले तो आपको यह तय करना होगा, ध्यान से सुनना, दिस इज द फर्स्ट थिंग इज अबाउट व्हाट, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन आप बोलोगे सर इसका मतलब, इजंट इट, आप लोगों ने पूछा ये, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब कि वो अमाउंट को कब हम मानेंगे एज एन इंटरेस्ट, उसी तरीके से वो अमाउंट को हम कब मानेंगे एज रॉयल्टी, उसी तरीके से वो अमाउंट को हम कब मानेंगे एज FTS। सो व्हेन दैट इन अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरेस्ट अमाउंट, व्हेन दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉयल्टी अमाउंट, व्हेन दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, एज एन FTS अमाउंट, इसको कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। आप लोग नोटिस करना स्टूडेंट्स, 911 जो मैंने आपको पार्ट वन में करवाया था, ब्रेक के पहले करवाया था, उसमें क्या देखा जाता है, वेदर देयर इज व्हाट, वहां पे कैरेक्टराइजेशन नहीं था, वहां पे हम लोग लिखते थे इनकम इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया इफ दैट इनकम इज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एन एसेट और अ सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया, और इज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ अ कैपिटल एसेट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इन इंडिया। तो अगर वो कनेक्शन देखता था और उस कनेक्शन से जो भी इनकम अगर आप कमाओगे, चाहे उसका जो भी नाम हो,
वो इनकम हम मानेंगे एज एन इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। वो कनेक्शन की बात करता था कि भाई कनेक्शन क्या है इंडिया के साथ, वो रिश्ता क्या है इंडिया के साथ। अगर वो रिश्ता बन गया तो फिर जो भी आप उसके नाम, आप उस इनकम का चाहे जो भी नाम दो, वो इनकम कहां पे मानी जाएगी? एज डीम टू हैव अक्रूड राइज इन इंडिया। वो इनकम कहां पे मानी जाएगी? एज एन इनकम विच इज डीम टू हैव अक्रूड राइज इन इंडिया, चाहे आप उसका जो भी नाम दो। बस हमें क्या वहां पे पता लगाना होता है? उसकी कनेक्शन पता लगानी होती है। यहां पे बताइए क्या देखना है सबसे पहला काम, कि क्या वो जो अमाउंट 915, 916 और 917 जो आपके सामने है, उसमें सबसे पहला बात आपको क्या पता लगाना है कि जो अमाउंट दिया जा रहा है नॉन रेसिडेंट को, क्या वो अमाउंट को हम बोलेंगे एज एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, एज अ रॉयल्टी इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, और एज अ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, क्या वो उसे उसका दर्जा दिया जाएगा या नहीं? क्या उसे उस चीज का दर्जा दिया जाएगा या नहीं? दिस इज वॉट वी डू सो फार एज 915, 6 एंड 7 इज कंसर्न। तो पहले तो करेक्टराइजेशन, तो बताइए इंटरेस्ट कब एक अमाउंट जो आप नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो उसे आप इंटरेस्ट बोलोगे? तो इंटरेस्ट स्टूडेंट अमाउंट, एनी अमाउंट विल बी रेफर्ड एज एन इंटरेस्ट इफ इट इज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ डेट ओन्ड। तो कोई डेट है विच इज बीन ओन्ड, तो उस डेट के वजह से इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट है वो आप मानेंगे एज एन इंटरेस्ट इनकम। रॉयल्टी स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रॉयल्टी के अनेक रूप है। एक तो आपका आता है इंडस्ट्रियल रॉयल्टी, बताइए उसे क्या होगा? इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इसमें आ जाएगा, डिजाइन प्रोसेस एक्सेट्रा, ये इंडस्ट्रियल रॉयल्टी का एक एग्जाम्पल होगा। दूसरा आपका होगा एक तरीके से नॉलेज रॉयल्टी, मतलब आपको साइंटिफिक स्किल नॉलेज दिया जा रहा है, नॉलेज रॉयल्टी। तो जो अमाउंट ले रहे हैं वो आपसे नॉन रेसिडेंट ले रहे हैं, वो किस बात के ले रहे हैं? ये नॉलेज के लिए लिया जा रहा है। तो ये होगा आपका प्राइमरी नॉलेज रॉयल्टी। में क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, फॉर इम्पार्टिंग व्हाट स्टूडेंट्स, क्या प्रदान कर रहे हैं वो? साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। उसके अलावा नॉलेज रॉयल्टी के अलावा फिर आपको एक बताता हूं, इक्विपमेंट रॉयल्टी। आप बोलोगे इक्विपमेंट रॉयल्टी क्या है? तो स्टूडेंट्स ये इक्विपमेंट रॉयल्टी है, आपने कोई इक्विपमेंट को हायर में दिया है, इक्विपमेंट गिवन ऑन हायर, और उस को ये जनरली क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट मैं लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स इस पे? सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट गिवन ऑन हायर, ठीक है, उसके लिए रॉयल्टी दी जा रही है। और फिर आगे आखिरी में लिखूंगा ये आपका कॉपीराइट, जो कॉपीराइट रॉयल्टी ये आईपीआर की होती है, फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आईपीआर की रॉयल्टी है। तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट गिवन ऑन हायर, ये आपकी हो गई, क्या हो गई स्टूडेंट्स? इक्विपमेंट रॉयल्टी, नॉलेज रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी, इंडस्ट्रियल रॉयल्टी। तो अगर पेमेंट उसके लिए दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? पेटेंट के लिए दिया जा रहा है, ट्रेडमार्क के लिए दिया जा रहा है, डिजाइन के लिए दिया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। उसी तरीके से अगर इम्पार्टिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज उसके लिए क्या है, ये अमाउंट दिया जा रहा है, तो क्या उसे भी हम बोल सकते हैं एज अ नॉलेज रॉयल्टी? एंड आंसर इज यस, उसे भी रॉयल्टी का दर्जा दिया जाएगा। अगर कोई साइंटिफिक नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट दे रहा हूँ, तो वो अमाउंट जो मैंने पे किया नॉन रेसिडेंट को, उससे भी आप बोल सकते हो एज अ रॉयल्टी अमाउंट। इक्विपमेंट का भी मैंने बता दिया कि सोफिस्टिकेटेड क्या है, इक्विपमेंट हायर पे दिए जा रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को हायर पे दिया जा रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर इक्विपमेंट को जो आप हायर पे दे रहे हो
वो भी क्या कहा जा सकता है, एज अ इक्विपमेंट रॉयल्टी, वो भी रॉयल्टी का उससे दर्जा माना जाएगा। और आखिरी में कॉपीराइट, जो आईपीआर का एग्जांपल है प्राइमली, वो भी उसके लिए अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, ऑथर्स को कर रहा हूँ, से मूवी कंपनी को कर रहा हूँ, उसके फिल्म के कॉपीराइट के कॉन्टेक्स्ट में मैं उसके उसको पेमेंट दे रहा हूँ, तो उस वो पेमेंट को भी माना जाएगा एज अ रॉयल्टी इनकम, वो पेमेंट को भी माना जाएगा एज अ रॉयल्टी इनकम। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ रॉयल्टी। तो मैंने पहले बात क्या कहा, कैरेक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा है एफटीएस पे, इसमें जानते हो एक चीज, एक केस लॉ भी, केस लॉ में काफी हद तक ये पूछा गया है एफटीएस में, क्या पूछा गया है वेरी फ्रीक्वेंटली कि एक ह्यूमन इंटरवेंशन का होना बहुत जरूरी है, ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर एक ह्यूमन इंटरवेंशन, मालूम है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस पे कहा कि अगर एक स्टैंडर्डाइज क्या है, अगर एक स्टैंडर्डाइज सर्विसेस अगर एक स्टैंडर्डाइज सर्विसेस दी गई हैं, तो क्या वो स्टैंडर्डाइज सर्विस को, क्या वो स्टैंडर्डाइज सर्विसेस को माना जा सकता है एज एज अ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, लाइक फॉर एग्जाम्पल बैंडविड्थ चार्जेस। बैंडविड्थ चार्जेस के लिए क्या है, आपने पेमेंट करवाया है टू अ टेलीकॉम कंपनी, तो क्या वो पेमेंट जो अगर आपने किया टू द टेलीकॉम कंपनी, क्या उसे हम फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मान सकते हैं? तो आईसीएआर ने भी काफी टाइम ये केस लॉ पूछा भी है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पेमेंट अगर किसी एक सर्विस जो कि एक स्टैंड अलोन, जो कि अपने आप में एक स्टैंडर्डाइज सर्विसेज है जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, उसको आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का दर्जा नहीं दे सकते हो। और इसी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, इसी वजह से वो एफटीएस का इनकम नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि जो टेक्निकल सर्विस है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाएगा, तब जाके वो एफटीएस का दर्जे के अंदर, तब जाके वो उसे एफटीएस माना जाएगा। व्हाट इज नेसेसरी इज द इंटरवेंशन ऑफ अ ह्यूमन, ह्यूमन इंटरवेंशन की नेसेसिटी ये प्राइमरी हुए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ह्यूमन इंटरवेंशन इज नेसेसरी। आपको शायद पता होगा भारती सेलुलर का केस लॉ, ये सब पूछे गए हैं प्राइमरी, स्काई सेल का केस लॉ है, ये सब आईसीए ने पूछा हुआ है, सब जगह पे एक ही फंडा है। एफटीएस में एकदम क्लियर रखना, अगर स्टैंडर्डाइज सर्विस है प्राइमरी तो उसको हम एफटीएस की सर्विस नहीं मानेंगे। ठीक, चलिए पहला काम क्या देयरफॉर था, 915, 916 और 917, इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड एफटीएस वाले इनकम में सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने कैरेक्टराइजेशन देखना है कि क्या वो अमाउंट जो आपने नॉन रेसिडेंट को पे किया है, क्या उस अमाउंट को आप इंटरेस्ट या फिर रॉयल्टी या फिर एफटीएस का नाम दे सकते हो। उसका नाम देने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको मैंने लिखवाया है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया है, एक बार उसे कैरेक्टराइजेशन वाले टेस्ट में वो थ्रू हो जाता है कि हाँ ये जो अमाउंट आपने दिया है नॉन रेसिडेंट को, उसको आप इंटरेस्ट या फिर रॉयल्टी या फिर एफटीएस उसे माना जा सकता है, फिर आप आएंगे किसमें, ऑन द सेकेंड स्टेप। और बताइए आपका सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप व्हेन द इनकम, व्हेन दीज इनकम शैल डीम टू अक्रू, शैल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये दूसरा स्टेप है, स्टेप वाइज जाना है स्टूडेंट्स, अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब बताओ जल्दी से इसका आंसर आप दोगे मुझको, जल्दी बताओ, मैंने आपको कैरेक्टराइजेशन बताया, अब आप बताओ कि कब इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम एंड एफटीएस इनकम नॉन रेसिडेंट का ये माना जाएगा दैट इट इज डीम्ड टू हैव अक्रूड अराइज इन इंडिया, कब माना जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ। बिल्कुल पीयूष, इट इज नॉट अ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, जल्दी बताएं स्टूडेंट्स कब माना जाएगा। पी का नहीं होगा अशोका, पी की बात नहीं है, नहीं 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 पी है ही नहीं इसके अंदर, अभी अभी पी आएगा नहीं। पी का जो कंसेप्ट है ना वो ये तय करने के लिए होता है कि 44DA में एसेस होगा या 115A में एसेस होगा, पी का कंसेप्ट वहां पे अप्लाई होता है, यहां पर अभी नहीं होता है। अभी तो हमने पहले पता लगाया कि कब ये अमाउंट को इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस माना जाएगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया आपको कि
एक बार ये तय है कि जो अमाउंट पे किया है टू द नॉन रेसिडेंट उसको आप इंटरेस्ट या फिर रॉयल्टी या फिर एफटीएस के रूप में आप उसे मानते हो, तो अब बात आती है कि ये इनकम कब इंडिया में डीम्ड टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया इसे माना जाएगा। व्हेन इट विल बी कंसीडर्ड टू बी एन इनकम विच इज डीम्ड टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया। जसप्रीत, पीयूष, जसप्रीत, तानिया, चलिए इंडिया में रिसीव होगी, आप आइएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से अब देखना। इसमें स्टूडेंट्स आप पेयर इसमें ध्यान रखेंगे, पेयर पे आप फोकस करना। पेयर कौन है? पेयर अगर आपका कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर पे किया है तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज व्हाट, राम, अशोका, पीयूष, तानिया, ध्यान रखेंगे ऑलवेज डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया। ये ऑलवेज पे फोकस करना, ये हमेशा माना जाएगा दैट इट इज डीम टू हैव अक्रूड इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, अगर पेयर रेसिडेंट है और आखिरी में पेयर नॉन रेसिडेंट है तो यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट है, शुड नॉट बी, इन रिलेशन टू अ बिजनेस, शुड नॉट बी इन रिलेशन टू अ बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये कोई ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है उसके लिए ये पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये है व्हेन पेयर इज अ रेसिडेंट, अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट को हुआ, या वो रॉयल्टी या वो एफटीएस पे कर रहा है टू द नॉन रेसिडेंट, तो वो पेमेंट कर रहा है, शुड नॉट बी फॉर अ बिजनेस विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मैं इसका एग्जांपल दूंगा, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले जल्दी से लिखवा देता हूं। और आखिर में ये नॉन रेसिडेंट का है, व्हेन द पेयर इज अ नॉन रेसिडेंट तो यहां पे शुड बी इन रिलेशन टू बिजनेस और अ सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया। ये आप लिख लो, मैं इसके एग्जांपल अभी आपको देता हूं, जल्दी लिखो। लिख लिया, चलिए सुनो, अब मैं आपको एग्जांपल देना देता हूं। ताज होटल्स है, ताज होटल का प्रॉपर्टी आपको पता है इंडिया के बाहर भी है, तो मॉरिशस में, मालदीव्स में उनकी प्रॉपर्टी है, मालदीव्स में है, दुबई में है, अलग अलग जगह पे, यूके में भी है, तो अलग अलग जगह पे इनकी प्रॉपर्टी है। उन्होंने एक नॉन रेसिडेंट आर्किटेक्ट फर्म को अपॉइंट किया है, ध्यान से सुनना, उन्होंने एक नॉन रेसिडेंट आर्किटेक्ट फर्म को अपॉइंट किया है। अब वो पर्टिकुलर आर्किटेक्ट फर्म को ये बोला गया है कि आप हमारी एक प्रॉपर्टी है इन दुबई और इन मालदीव्स, आप वहां पे क्या है आर्किटेक्ट सर्विस हमें दे दीजिए। ये ताज होटल्स इंडिया, उन्होंने आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया है फॉर द पर्पस ऑफ एन आर्किटेक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एन आर्किटेक्ट सर्विस फॉर इट्स प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो आर्किटेक्ट फॉर्म वो है नॉन रेसिडेंट, आर्किटेक्ट फॉर्म वो है नॉन रेसिडेंट, ठीक है, आई ने बात समझ में, आर्किटेक्ट जो फॉर्म है वो है नॉन रेसिडेंट। अब हमने ताज वाले ने क्या किया है, उसने किस प्रॉपर्टी पे के लिए सर्विस उसने लिया है, मालदीव्स के प्रॉपर्टी के लिए, मालदीव्स का प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो फिर आप बताएं क्या उस पर्टिकुलर केस में जो रॉयल फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दिया जा रहा है ताज की तरफ से किसको, टू दिस आर्किटेक्ट फर्म, क्या हम मानेंगे एज द इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट विच इज डीम्ड टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया, क्या ये माना जाएगा कि ये इनकम है नॉन रेसिडेंट का विच इज डीम्ड टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया। तो मैंने क्या कहा आपसे, आपको क्या पता लगाना है, पहले पता लगाना है हु इज द पेयर ऑफ द अमाउंट। तो पेयर आपका है इस केस में कौन है,
ताज रेसिडेंट, मतलब ताज होटल्स इंडिया लिमिटेड, तो रेसिडेंट हुआ, ठीक है। किसको पे कर रहा है? नॉन रेसिडेंट को, आर्किटेक्ट फर्म को। किसके लिए वो पे कर रहा है? फॉर इट्स बिजनेस विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, और इसी वजह से द इनकम इज नॉट डीम्ड टू हैव अक्रूड राइज इन इंडिया। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही जवाब दिया इस कॉन्टेक्स्ट में। सो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। दूसरा एक और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देता हूं, JW Marriott, ये एक नॉन रेसिडेंट, ये और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो JW Marriott वो एक US बेस्ड एक होटल चेन कंपनी है, उसने क्या किया है, एक फॉरेन आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया है फॉर द पर्पज ऑफ अपने एक होटल बिजनेस उसे इंडिया में चालू करना है। उसके लिए उसने क्या है, एक फॉरेन आर्किटेक्ट फर्म को अपॉइंट किया है, और उससे ये बोला गया कि आप इंडिया में जाइए और वहां पे जो हमारा एक होटल बनेगा उसका नक्शा कैसा रहेगा वो आप उस हमें आर्किटेक्ट की सर्विस दे दीजिए। तो कौन पे कर रहा है? नॉन रेसिडेंट, JW Marriott हु इज अ नॉन रेसिडेंट, वो पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? टू अनदर नॉन रेसिडेंट, ठीक है, पेयर पे ही दोनों नॉन रेसिडेंट। अच्छा, क्या ये पेयर नॉन रेसिडेंट, जो पेयर नॉन रेसिडेंट है, क्या वो पे कर रहा है इन रिलेशन टू अ बिजनेस और सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया? एंड द आंसर इज यस। तो क्या हम कह सकते हैं फाइनली दैट जो रिसीवर नॉन रेसिडेंट है उसके लिए ये इनकम क्या होगा एज डीम्ड टू अक्रूड राइज इन इंडिया? एंड द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज यस। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ये पॉइंट नंबर टू है कि कब ये इनकम मानी जाएगी एज डीम्ड टू अक्रूड राइज इन इंडिया। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ नोट्स है, जैसे कि इसके अंदर कुछ नोट्स आएगा तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, इसके अंदर कुछ नोट्स है। आप बोलो क्या नोट्स है, बताता हूं। एक केस आया था स्टूडेंट्स 2007 में, उसके वजह से एक एक्सप्लेनेशन आया था कि अगर इशिकावा जिमा हरियम्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये। अब आप बोलोगे ये क्या बोल दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, वो जो बोला है वो जापानीज कंपनी का नाम था, वो याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि वो जजमेंट अब ओवर रूल हो चुका है। लेकिन फिर भी वो जजमेंट का क्रक्स मैं आपको बता देता हूं, ताकि अगर वो क्रक्स जानोगे तो अमेंडमेंट क्या हुआ है उसको अच्छी तरह से आप अप्रिशिएट कर सकते हो। पहले वो जजमेंट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बारे में बता देता हूं। क्या हुआ था कि एक जापानीज कंपनी थी, उससे वो जापानीज कंपनी से एक इंडियन कंपनी का टाइप हुआ, जिसके वजह से इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को जापान में भेजा फॉर द पर्पज ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। उनसे उनको टेक्निकल सर्विसेज चाहिए थी, जापानीज कंपनी से उनको टेक्निकल सर्विस चाहिए थी, एक ट्रेनिंग चाहिए था। उसके लिए इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपने एम्प्लॉयज को वहां पे जापान में भेजा फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा, ट्रेनिंग वहां पे दी गई थी, जापान में दी गई थी, और जो वो फीस जो चार्ज किया था जापानीज कंपनी ने, उन्होंने कहा था क्लियरली कि ये फीस आपको देना पड़ेगा डायरेक्टली इन दी अकाउंट इन जापान। तो हमारे डायरेक्टली अकाउंट इन जापान में आपको ये अमाउंट क्रेडिट करना होगा। ठीक है, पेयर कौन था, एक इंडियन कंपनी, पे ही कौन है, रिसीवर कौन है, नॉन रेसिडेंट। क्या अमाउंट आपने पे किया, अमाउंट जो आपने पे किया वो पे किया है एज फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब जो जजमेंट आया, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब तक जापानीज कंपनी का इंडिया के साथ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, जब तक जापानीज कंपनी का इंडियन कंपनी इंडिया के साथ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, कोई भी इनकम हम ये नहीं मानेंगे एज डीम टू हैव अक्रूड राइज इन इंडिया। कहने का मतलब है उस जजमेंट के थ्रू से, ध्यान से सुनना वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो पकड़ने की कोशिश करना, वो ये बोल रहे थे कि सर्विसेज जो थी वो क्या जापानीज कंपनी ने इंडिया में प्रोवाइड की है, नहीं की है, वो उसने अपने कंट्री में प्रोवाइड की है। दूसरी बात कि क्या उसको उस सर्विसेज के लिए जो कंसिडरेशन है, क्या उसे वो इंडिया में मिल रहा है? एंड द आंसर इज नो। ये भी कंसिडरेशन उसको डायरेक्टली मिला है कहां पे, जापान में। तो इंडिया के साथ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं है, और इस वजह से क्या है, नो इनकम विल बी डीम्ड टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया। उसी चीज को लेके स्टूडेंट्स क्या था, अमेंडमेंट करवा दिया गया है, और अब इस अमेंडमेंट की वजह से मैं नोट्स लिखवा रहा हूं। जो अमेंडमेंट है वो क्या है, अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में हम ये नहीं देखेंगे कि क्या हमें क्या देखना है, पहले ही बात
कि क्या वो अमाउंट को इंटरेस्ट, रॉयल्टी या एफटीएस माना जा सकता है या नहीं, ये पहली बात है। और दूसरी बात कि जो पेयर है वो जो पेमेंट कर रहा है, अगर वो पेयर रेसिडेंट है तो कहीं वो अपने इंडिया के बाहर वाले बिजनेस के लिए तो नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। और अगर वो इंडिया के बाहर वाले बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में वो अमाउंट जो इंडिया के पेयर ने पे किया है, इंडियन रेसिडेंट ने पे किया है, वो रेसिडेंट वो पर्टिकुलर अमाउंट जो रॉयल्टी के रूप में है या एफटीएस के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में, वो ऑलवेज वुड बी डीम्ड टू हैव अक्रूड एज इन इंडिया। और ये हमें देखना है ही नहीं, क्या नहीं देखना है कि वेदर दैट नॉन रेसिडेंट हैज फिजिकली हैज प्रोवाइडेड एनी सर्विसेज इन इंडिया। तो ये फिजिकल प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन इंडिया, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इररिलेवेंट पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी एन इररिलेवेंट पॉइंट। तो ये एक नोट में आप लोग लिखिएगा एग्जामिनेशन में, यहां पे जल्दी से लिखना इस कॉन्टेक्स्ट में। इट इज इररिलेवेंट दैट It is irrelevant for the purpose of section 915(6) and (7) as to point number A, whether the non-resident has rendered any service in India, whether the non-resident has any place of business और रेसिडेंस इन इंडिया। ये चीज नोट करके चलना, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, कैसे आईसीए ने इस पे गेम खेला है। तो हमें बस यही देखना है पेयर कौन है, और अगर पेयर रेसिडेंट है तो बस एक ही चीज आप पता लगाओ, क्या कि कहीं वो पेमेंट जो कर रहा है कहीं वो अपने इंडिया के बाहर वाले बिजनेस के लिए तो नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, इंडिया के बाहर वाले बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है, तो फिर वो पेयर जो कि रेसिडेंट है उसने उस नॉन रेसिडेंट से सर्विसेज जो ली है, उस सर्विस वो सर्विस नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में एक्चुअली प्रोवाइड किया है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। और ना ही वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस या कोई प्लेस ऑफ रेसिडेंस है या नहीं, इवन दैट हैज गॉट नो रेलेवेंस। अब आईसीआई ने एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे स्टूडेंट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। याद करो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे केस स्टडीज आपने किए होंगे जहां पे ये बोला होगा आपसे कि एक जर्मन कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू एन इंडियन कंपनी। इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, टू द इंडियन कंपनी। और ये जो सर्विस है दोनों टाइप के हैं, ऑनशोर सर्विस एज वेल एज ऑफशोर सर्विस। सुना है आपने, ऑनशोर सर्विस एज वेल एज ऑफशोर सर्विस। आप बोलोगे ये क्या होता है, ऑनशोर का मतलब है कि क्लाइंट के लोकेशन में जाके मैंने सर्विस दिया है, और ऑफशोर सर्विस का मतलब ये होगा कि ये मैंने अपने कंट्री में ही रह के क्या है वो सर्विस दे दी। और उसके लिए उसने दो बिल बनाया, दो इनवॉइस रेज किया है, और उसका ये मानना है कि उसकी जो चार्जेबिलिटी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट के लिए बनेगा, उसी सर्विस के लिए बनेगा जो कि वो उसने इंडिया में जाके दिया है। और क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंटेंशन सही है या नहीं, तो आप लोग लिखते थे आंसर टू बी नो। क्यों, पहली बात कि क्या वो सर्विस जो उसने दिया है टू द इंडियन क्लाइंट, क्या वो सर्विस जो उसने दिया है टू द इंडियन क्लाइंट, क्या उसे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, पेयर को देखते हुए, पेयर क्वेश्चन में कौन था एग्जामिनेशन में, पेयर पता लगाओगे तो पेयर कौन था क्वेश्चन में, पेयर था आपका रेसिडेंट। क्या वो रेसिडेंट ने अपने किसी बिजनेस जो कि वो इंडिया के बाहर कर रहा है क्या उसके लिए पेमेंट किया है? बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसा क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो हम ऐसा तो मानेंगे नहीं कि वो जो पेयर जो कि रेसिडेंट है उसने किसी अपने बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए पेमेंट किया। ये हमें उल्टा अजम्पशन नहीं लेना है।
ठीक है, अच्छा अगर ये बात है कि वो किसी इंडिया के बाहर वाले बिजनेस के लिए पेमेंट नहीं कर रहा, तो फिर ये नोट बताओ क्या कहता है, ये नोट क्या कहता है आपको, ये कहता है फिर उस सिचुएशन में क्या होगा नॉन रेसिडेंट की ये जो इनकम है वो हम मान के चलेंगे एज डीम्ड टू अक्रूड इन इंडिया, इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव क्या, कि भले ही नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में सर्विस दिया है या नहीं दिया है वो रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। साथ ही साथ वो नॉन रेसिडेंट का अपना कोई इंडिया में फिजिकल या परमानेंट बेस है या नहीं वो भी रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, इसी वजह से आप क्या करोगे, वो दोनों ही इनवॉइस क्या चार्जेबल होगा अंडर द एक्ट, एंड द आंसर इज यस, सो बोथ द इनवॉइस विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। ये चीज आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पे आपको एंगल ये देना पड़ता है। तो पहले तो आप क्या करोगे, ये पता लगाओगे कि वो अटक रहा है कि नहीं, और एक बार वो अटक रहा है, और अटकने का नियम क्या है, पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू, एक बार वो अटक गया एज पर दोस टू पॉइंट्स, फिर आपको नोट का रेफरेंस दे रहा है कि भाई एक बार आप अटकते हो फिर उसके बाद ये इररिलेवेंट रह जाता है कि वो नॉन रेसिडेंट ने फिजिकली इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं या नहीं, और ना ही ये इररिलेवेंट रहेगा कि वो नॉन रेसिडेंट का अपना कोई इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ रेसिडेंस है या नहीं। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पॉइंट है आपका इस 9 1 5 6 7 7 के लिए। अब बताइए तीसरा पॉइंट क्या है, दी असेसमेंट, इनकी असेसमेंट कैसे होती है। तो आइए जनाब असेसमेंट के लिए कहानी देखते हैं, इन इनकम की असेसमेंट कैसी होती है, ये तीसरा पॉइंट, ऐसा ही सोचना है आप, सोच रखना है स्टूडेंट्स आपने, ऐसा ही सोच रखना है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने। तो असेसमेंट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, असेसमेंट आप अगर देखोगे, बी केयरफुल, अशोका ने क्या कहा, बिल्कुल अशोका नवंबर 16 में आया था, क्योंकि अशोका यही है ना, 9 1 5 6 7 जो है ये जो इनकम है ना, ये कोई एक्टिव इनकम नहीं, ये सारे पैसिव इनकम है, ये सारे क्या है, पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम के लिए हम कनेक्शन देखते हैं, जैसे कि बिजनेस कनेक्शन, वो जो 9 1 1 में हमने कनेक्शन देखना है, ये इंटरेस्ट और रॉयल्टी इनमें हमने कोई कनेक्शन नहीं ढूंढना है, इसमें पेयर कौन पे कर रहा है वो कंज्यूमर देखते हैं, कि जो कंजम्पशन बेस्ड कौन कंज्यूम कर रहा है उसकी सर्विस, उसके आधार पे 9 1 5 9 1 6 और 9 1 7 को तैयार किया गया है, कंज्यूमर के आधार पे कंजम्पशन बेस्ड है 5 6 एंड 7, और 9 1 1 जो है वो क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन अ नेक्सस कनेक्शन विथ इंडिया। तो 5 6 एंड 7 इज कंजम्पशन बेस्ड, 9 1 1 इज बेस्ड ऑन नेक्सस विथ इंडिया और अ कनेक्शन विथ इंडिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन 9 1 1 एंड 5 6 एंड 7। 5 6 एंड 7 को मैंने क्या कहा, ये कंजम्पशन बेस्ड है, कंजम्पशन कौन कर रहा है उस पैटर्न के आधार पे नॉन रेसिडेंट की इनकम की डीम अक्रूअल मानी जा रही है, और 9 1 1 में इनकम डीम्ड अक्रूअल मानी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन विद इंडिया। ये है दोनों का डिफरेंस। अब स्टूडेंट जरा असेसमेंट में आ जाइएगा, असेसमेंट में मैं लिखता हूं एक इंटरेस्ट वाला, इसकी असेसमेंट कैसे होगी, और दूसरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा है आपका रॉयल्टी NFTS, इसकी असेसमेंट कैसे होगी। तो इन दोनों का असेसमेंट के लेवल पे ध्यान रखना। इंटरेस्ट का स्टूडेंट्स यहां पे दो केस बता रहा हूं, एक तो स्पेशल रेट, और दूसरा है आपका जनरल रेट एज पर फाइनेंस एक्ट। स्पेशल रेट जब होता है तो ग्रॉस बेसिस पे अटकता है, ऑन ग्रॉस बेसिस, स्पेशल रेट इज ऑन ग्रॉस बेसिस, और ये जो होता है एज पर द फाइनेंस एक्ट ऑन नेट बेसिस। ऑन ग्रॉस बेसिस, और ये जो होगा दैट विल बी ऑन नेट बेसिस। यहां तक आपने कॉपी कर लिया,
ठीक है, तो एक रेट आइएगा यहाँ पे, एक तो 5% का रेट है और एक 20% का रेट है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग ऑन ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड उसके बाद कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशूड इन फॉरेन करेंसी रेफर्ड इन सेक्शन 1047। तो इंटरेस्ट इनकम जो नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ, पहला मैंने बताया आपको रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, दूसरा आपको बताया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तीसरा मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यूड इन फॉरेन करेंसी रेफर्ड इन सेक्शन 1047, ये वाला है। दूसरा आपका है 20% वाला कैटेगरी, और यहां पे लिखना इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग ऑन एनी अदर, इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग ऑन एनी अदर लोन इश्यूड इन फॉरेन करेंसी, एनी अदर लोन इश्यूड इन फॉरेन करेंसी। तो ये दोनों ग्रॉस बेसिस पर है और बैलेंस मैंने क्या बताया आपको यहां पे नेट बेसिस पर, नेट बेसिस पे बताओ क्या होगा, नेट बेसिस पे एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, एनी अदर इंटरेस्ट इनकम। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन इश्यूड इन इंडियन करेंसी, मतलब कि जो नॉन रेसिडेंट है उसने इंडियन करेंसी में लोन इश्यू करवाया है किसको, टू गवर्नमेंट या टू रेसिडेंट या टू नॉन रेसिडेंट एज द केस में भी, और उससे फिर उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। तो अगर आपने लोन जो इश्यू करवाया है वो आपने इंडियन करेंसी में करवाया तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं लगेगा, फिर वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा टू द जनरल रेट ऑफ टैक्स, और जनरल रेट का मतलब स्टूडेंट्स फाइनेंस एक्ट में आप चले जाओगे, और जब भी आप फाइनेंस एक्ट में जाते हो स्टूडेंट्स वहां पे आपको ये क्या है नॉर्मल रेट पे टैक्स लगेगा डिपेंडिंग अपॉन आपका खुद का पर्सनल स्टेटस क्या है, मतलब आप कौन हो, आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल रेट जो आपको पता है स्लैब है उसके हिसाब से, या फिर अगर नॉन रेसिडेंट एक कंपनी है, एक कंपनी है तो फिर कंपनी का आपको फॉरेन कंपनी का रेट पता होगा क्या है 40%, इस तरीके से। तो डिपेंड करता है कि अगर ये देखो स्पेशल रेट के लिए या तो 5% में आप अटकोगे या 20% में, 20% में अटकने के लिए भी तो लोन का फॉरेन करेंसी में होना जरूरी है, तब जाके ही वो इंटरेस्ट इनकम को क्या होगा 20% के बेसिस पे क्या होगा चार्ज किया जाएगा ऑन ग्रॉस बेसिस, इजंट इट। लेकिन अगर ये 5% और 20% के केस में नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आपका जो फॉरेन करेंसी जो लोन है जो लोन दिया है नॉन रेसिडेंट की तरफ से वो लोन पे जो इंटरेस्ट इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम फिर असेस किया जाएगा एज पर व्हाट, एज पर द फाइनेंस एक्ट।
तो ये है आपका इंटरेस्ट का असेसमेंट स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट द असेसमेंट वुड बी ऑल अबाउट। अच्छा अगर ये जैसे कि ये स्पेशल रेट पर है, जहां पे स्पेशल रेट पर जाता है, तो यहां पे एक पॉइंट बस हमेशा देख लिख लेना चाहिए कि वेयर इंटरेस्ट इज असेसेबल ऑन ग्रॉस बेसिस देन, तो फिर क्या होगा, देन नो डिडक्शन shall be allowed to the SSC, to the non-resident, ऐसा ही होगा, कोई डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, where interest is assessable on gross basis, then no deduction shall be allowed to the non-resident, ठीक है, तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आते हैं रॉयल्टी एंड एफटीएस के असेसमेंट को लेके, ये थोड़ा दिलचस्प पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसको नीचे ले लेता हूं क्योंकि ऊपर मेरे लिए जगह बचा नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे नीचे कंसिडर करवाता हूं। आप सभी लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स रॉयल्टी एंड एफटीएस के कॉन्टेक्स्ट में, रॉयल्टी एनएफटीएस के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों को साथ में आपको लेना है। इसमें स्पेशल रेट 115, अच्छा बाय द वे स्पेशल रेट का मैंने सेक्शन लिखवा आपको, इसका स्पेशल रेट स्टूडेंट्स लिखो सेक्शन 115A, स्पेशल रेट का सेक्शन है 115A, ठीक है, जो स्पेशल रेट का सेक्शन है वो है 115A। आइए स्टूडेंट्स रॉयल्टी एनएफटीएस यहां पे इसको भी स्पेशल रेट, अच्छा इस पे एक काम करें, इस पे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ये होगा वेदर द नॉन रेसिडेंट हैज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, हैज अ पी इन इंडिया थ्रू विच इट अर्न्स रॉयल्टी एनएफटीएस, ये क्वेश्चन पूछना है आपने, और जैसे बताया आपका आंसर इसमें होगा या तो यस या फिर नो, कि क्या उसका पीई एग्जिस्टेंस में है, या तो यस है या फिर नो, अगर यस है उसका पीई है तो फिर ये रॉयल्टी एनएफटीएस विल बी असेस्ड, शैल बी असेस्ड ऑन नेट बेसिस, ऑन नेट बेसिस किस सेक्शन में, 44DA में, लेकिन नेट बेसिस पे स्टूडेंट्स, नेट बेसिस पे स्टूडेंट्स, और किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 44DA। तो अगर उसका ये है पी है इंडिया में through which it earns royalty and FTS, then royalty and FTS shall be assessed on net basis under section 144A. अगर no है, तो फिर क्या कहोगे आप? Royalty and FTS shall be assessed on gross basis. और gross basis का मतलब है special rate कहाँ पे जाएगा? 115A. Special rate कहाँ पे जाएगा? 115A. इसमें एक special point है. स्पेशल पॉइंट क्या है इसका? स्पेशल पॉइंट एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ द पी, होली एंड एक्सक्लूसिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ द पी इन इंडिया शैल बी shall be allowed as deduction expenditure
only and exclusively in respect of the P in India shall be allowed as deduction. तो wholly and exclusively P जो इंडिया में है उसी के context में जो expenditure होगा, expenditure बोल दो या loss बोलो या allowance बोलो, expenditure ऐसा लिखो, loss या allowance. Expenditure क्या लिखा है मैंने, expenditure और loss और allowance. Expenditure और loss और allowance wholly and exclusively in respect of the PE in India shall be allowed as deduction. Shall be allowed as deduction. ठीक है, इसका special point लिखो यहाँ पे, no deduction क्योंकि gross basis पर है, तो no deduction of any expenditure or loss will be allowed. अब इसमें खतरनाक point है, except चैप्टर 6 से रिडक्शन, चैप्टर 6 से रिडक्शन, चैप्टर 6 से रिडक्शन को छोड़ के, चैप्टर 6 से रिडक्शन को छोड़ के आपको बाहा अशोका डिडक्शन तो मिलेगा ना बाकी, मतलब कि ये है ग्रॉस बेसिस वाला सेक्शन 115A, ग्रॉस बेसिस पे होता है कोई भी खर्चे का. 115A में अगर रॉयल्टी एंड एफटीएस अगर क्या है टैक्स हो रहा है, तो कोई भी करस्पॉन्डिंग खर्चे का या फिर लॉस का आपको इसका डिडक्शन या सेट ऑफ नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कि अगर कोई चैप्टर 6A में एटीसी हो, एटीडी हो या उस टाइप का कोई भी अगर चैप्टर 6A का डिडक्शन होगा तो जाके ही आपको क्या है उसका डिडक्शन प्राप्त होगा. ओनली दैट चैप्टर 6 से डिडक्शन वुड बी मेड अवेलेबल, उसके अलावा स्टूडेंट आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. प्लीज नोट करना स्टूडेंट, इंटरेस्ट में जब हमने लिखा था ऊपर जहां पे इंटरेस्ट को भी हम 115A में चार्ज कर रहे थे, इंटरेस्ट को भी हमने 115A में चार्ज किया था, 115A में जहां पे इंटरेस्ट पे जब स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लग रहा था 115A में, तो वहां पर हमने क्या लिखा था, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड. तो वहां पर हम चैप्टर 6 का डिडक्शन इंटरेस्ट इनकम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देंगे, लेकिन जब रॉयल्टी एंड एफटीएस इनकम की बारी आएगी और वो भी क्या है स्पेशल रेट के बेसिस पे क्या हो रहा है, वो टैक्स हो रहा है अंडर 115A, तो वहां पर भी पॉइंट तो सेम है कि भाई कोई एक्सपेंडिचर या कोई लॉस का हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक पर्टिकुलर आइटम है जिसका डिडक्शन आप दोगे, और वो आइटम क्या है स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 का डिडक्शन. एमटीपी 1 में स्टूडेंट्स इस पे मैंने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखा है एमटीपी 1 में, प्लीज ओके वो क्या करना है आपने वो चीज एक बार देख कर रखना है. एमटीपी 1 में यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और आपने उसको विदाउट फेल आपको वो चीज देखना पड़ेगा. तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आपका, ये तीन पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है इन रिलेशन टू इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस. इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस, वो तीन पॉइंट बताओ स्टूडेंट्स क्या है. पहला पॉइंट कि व्हेन द अमाउंट व्हिच इज पेड कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम एंड एफटीएस इनकम. क्योंकि जब तक ये कैरेक्टराइजेशन ही मुमकिन नहीं है तब तक आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते, ये पहला पॉइंट है. दूसरी बात, वंस द इनकम कैन बी कैरेक्टराइज्ड आइदर एज इंटरेस्ट इनकम और एज रॉयल्टी और एज एफटीएस इनकम, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन सच इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया. व्हेन सच इनकम विल बी डीम्ड टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया, तो उसके लिए क्या टेस्ट मैंने दिया था वो बता दिया कि पेयर को आपको देखना है, और पेयर को देख के आप फिर पता लगाएं कि कब उसकी इनकम मानी जाएगी एज डीम्ड टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया. तो पेयर गवर्नमेंट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो मैंने वो टेस्ट आपको दे दिया. एक बार वो सेकंड थ्रेशोल्ड को पार कर जाए तो अब आपको चिंता करनी है कि चलो चार्जेबल तो है, अब इसकी असेसमेंट कैसे किया जाए. चार्जेबल तो है तो अब इसकी असेसमेंट कैसे किया जाए, तो असेसमेंट के लिए दो मुद्दे हैं, या तो ये असेस होगा एट अ स्पेशल रेट और एट अ जनरल रेट. असेसमेंट इसकी होगी या तो स्पेशल रेट के बेसिस पे या फिर जनरल रेट के बेसिस पे. तो पहला इंटरेस्ट इनकम को लिया था तो स्पेशल रेट 115A में दो रेट आपको दिए गए हैं, 5% और 20%. जब जब स्पेशल रेट पे कोई भी इनकम असेस होता है तो बिना किसी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, बिना किसी डिडक्शन के वो इनकम पे क्या है सीधा आपको रेट लगा देना है, ठीक है. लेकिन जब रॉयल्टी एंड एफटीएस की बारी आती है और उस पर जब स्पेशल रेट लगता है तो उसमें भी पॉइंट तो लगभग सेम है कि कोई एक्सपेंडिचर या लॉस का डिडक्शन नहीं देंगे, लेकिन एक डिडक्शन आप उसको देंगे और वो डिडक्शन होगा चैप्टर 6 का. ये इकलौता ऐसा सेक्शन है जहां पे चैप्टर 6 का डिडक्शन आप दे रहे हो किस पे, ऑन द स्पेशल रेट, ऑन दी रॉयल्टी एंड एफटीएस. ये इकलौता केस है जहां पे आप क्या है ये स्पेशल रेट वाला जो इनकम है
उस पे आप चैप्टर सिक्स से का डिडक्शन दे रहे हो। तो ये पढ़ी लो, पॉइंट के बेसिस पे स्टूडेंट ये असेसमेंट होती है। मैंने एमटीपी वन में स्टूडेंट दो क्वेश्चन रखे हैं, एमटीपी वन में दो क्वेश्चन इस पे रखा हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, विदाउट फेल यू हैव टू डू दिस। तो प्राइमरी क्या हो जाएगा, ये चीज सॉर्टेड आउट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछना तो पूछे। प्रदीप ने पूछा है सर विल डिबेंचर्स इंक्लूडेड इन 115A? बिल्कुल प्रदीप, क्यों नहीं इंक्लूडेड होगा, डिबेंचर से इंटरेस्ट आता है, isn't it? तो अगर डिबेंचर से इंटरेस्ट आता है तो डिबेंचर क्या, एक तरीके से डेट हो गया। जब भी कोई कंपनी अगर डिबेंचर रेज करती है तो डेट फाइनेंसिंग ही तो है ये एक तरीके से। तो क्योंकि अपने आप में डेट फाइनेंसिंग ही है तो उससे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो डेफिनेटली वो 115A में, अगर जो डिबेंचर्स है वो अगर आपने इशू किया है किसको, टू नॉन रेसिडेंट, और फिर नॉन रेसिडेंट को आपने इंटरेस्ट का इनकम दे रखा है तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट का इनकम वो नॉन रेसिडेंट के लिए कहाँ पर चार्ज होगा, 115A में। लेकिन अगर वो, मैंने क्या बोला कि अगर वो इंडियन करेंसी में दिया है, अगर वो डिबेंचर्स इंडियन करेंसी में इशू करवाया गया है तो फिर बताइए प्रदीप, क्या वो इंटरेस्ट इनकम को आप स्पेशल रेट पे चार्ज करोगे या फाइनेंस एक्ट के रेट के हिसाब से चार्ज करोगे? तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फाइनेंस एक्ट के रेट से ही चार्ज होगा, क्योंकि वो डिबेंचर्स इशू किया है आपने इन इंडियन करेंसी। तो अगर डिबेंचर्स इंडियन करेंसी में अगर इशू करवाया है तो फिर स्पेशल रेट नहीं लगेगा, तो फिर उसके लिए रेट जाएगा एज पर द फाइनेंस एक्ट। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है फ्रेंड्स, हाँ शुक्र, रॉयल्टी के कंसिडरेशन, रॉयल्टी के कंसिडरेशन में डिबेंचर्स इशू किया तो इंटरेस्ट का क्या होगा? हाँ तो इंटरेस्ट, अशोका ये क्वेश्चन आपने रखना भी है, तो भाई बिल्कुल कहा दीक्षिता ने, देखो सही कहा दीक्षिता ने, आंसर दे दिया आपको, फाइनेंस एक्ट का रेट लगेगा, फाइनेंस एक्ट का रेट आपको लग जाएगा। ठीक है, फाइनेंस एक्ट का रेट आपको लग जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए 915 ये चीज हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग इन आर नेक्स्ट पॉइंट 918। और कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स तो पूछ लो जल्दी से, हम लोग अब अगले पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहे हैं, वो है 918। नया अमेंडमेंट है ये 918। कोई क्वेरी है 5, 6 एंड 7 में? एनी क्वेरीज जल्दी पूछो। बिल्कुल दीक्षिता, फॉरेन एक्सचेंज में ही अगर कंसिडरेशन मिला है, लोन लिया है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में ही अगर लोन इश्यू करवाया गया तब जाके ही स्पेशल रेट लगेगा। अदरवाइज जैसे डिबेंचर का जो एग्जांपल दिया गया है कि भाई डिबेंचर इंडियन कंपनी ने नॉन रेसिडेंट को दिया इन इंडियन रुपी, तो फिर उस केस में जो इंटरेस्ट इनकम अराइज होगा वो इंटरेस्ट इनकम असेस होगा अंडर द फाइनेंस एक्ट, नॉट अंडर द नॉट एज पर द स्पेशल रेट। जसप्रीत जी ने पूछा है वोंट रॉयल्टी बी टैक्सेबल अंडर 115BBF? जसप्रीत जी, रॉयल्टी इनकम 115BBF में अगर आपको चार्ज करना है तो उसमें रेसिपिएंट जो होगा वो रेसिडेंट होना चाहिए। जो 115BBF के लिए रॉयल्टी इनकम जो है ना, उसमें रेसिपिएंट कौन होगा, हु हैज टू बी द रेसिपिएंट फॉर अ रॉयल्टी इनकम अंडर 115BBF? The recipient has to be resident. The recipient has to be a resident. ठीक है, तो recipient का resident होना जरूरी है। अच्छा, by the way, royalty and FTS का rate आपने लिखा नहीं है। Royalty and FTS का students rate बता दो। Royalty and FTS का special rate क्या होगा? Special rate 115A में 10%। 115A में क्या rate होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। 10% का rate है। बिल्कुल सही कहा। तो जसप्रीत जी, आपका आपका क्वेरी का आंसर हो गया कि रॉयल्टी एंड एफटीएस, जो आप रॉयल्टी की बात कर रहे हो 115BBF में, उसमें रिसिपिएंट कौन होता है?
रेसिडेंट होता है, और भी कंडीशन है 115 BBF में, तब जाके ही क्या होता है वो टैक्स 115 BBF में होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10% है, 115 A के रेट का 10% रेट है। शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ, चलिए जल्दी से 918 में आ जाते हैं। 918 में तो ये गिफ्ट नया प्रोविजन आपको पता ही है, गिफ्ट ऑफ मनी किसे, टू अ नॉन रेसिडेंट। गिफ्ट ऑफ मनी टू अ नॉन रेसिडेंट, तो आप गिफ्ट कर रहे हो किससे, मनी का गिफ्ट करोगे टू अ नॉन रेसिडेंट। तो स्टूडेंट ये प्रोविजन भी आपको पता है कि किस तरीके से ये प्रोविजन को रखा गया, मैंने इसको MTP में भी रखा गया, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको MTP में भी मैंने रखा है क्वेश्चन को। पहले आप इसका जनरल इंटेंट समझना, क्या होता था कि गिफ्ट जो है ना वो अक्रू होगा जहां पे ये दिया गया, गिफ्ट की अक्रूवल कहां पर होगी, वो लोकेशन में ये गिफ्ट अक्रू होगा जहां पे ये गिफ्ट को दिया गया है। तो अगर मैंने गिफ्ट इंडिया में दिया है तो ये इंडिया में अक्रू होगा। तो क्या करते थे लोग, गिफ्ट टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो 56-210 वाला जो प्रोविजन है उसमें आप नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट करते थे। बाय द वे एक चीज आपको बता दो, 56-210 जो है गिफ्ट टैक्स वाला जो प्रोविजन है उसमें जो रिसिपियंट होगा जिसके हाथ में आप 56-210 का चार्ज लगाओगे, वो रिसिपियंट एनी पर्सन है, मतलब रेसिडेंट भी हो सकता है नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। सो द रिसिपियंट कैन बी एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ द गिफ्ट टैक्स अंडर सेक्शन 56-210। तो होता क्या था कि NR को आप गिफ्ट देते थे, अगर इंडिया में अगर आपने NR को गिफ्ट दे दिया तब तो ये गिफ्ट अक्रू NR को किया है कहां पे, इन इंडिया। तो इसी वजह से दे यूज टू डेलिबरेटली गिफ्ट द टू नॉन रेसिडेंट, अगर बड़ा अमाउंट का गिफ्ट करना था तो क्या करते थे, इंडिया के बाहर जाके वो ये गिफ्ट NR को करते थे। तो होता क्या था, क्योंकि इंडिया के बाहर आपने गिफ्ट करवाया तो अक्रूवल भी कहां पर होगा, आउटसाइड इंडिया, और अगर ये आउटसाइड इंडिया हो गया तो अकॉर्डिंगली दिस गिफ्ट वॉज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, ये अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया, दिस अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 918 वॉज बिंग इंट्रोड्यूस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे लिख दो जल्दी से, इनकम अराइजिंग, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी, सिर्फ मनी की बात हो रही है ध्यान रखना, पेड विदाउट कंसिडरेशन तो मतलब गिफ्ट हो गया, तो पेड विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, गिफ्ट हो गया बाय अ रेसिडेंट इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट और टू अ फॉरेन कंपनी, टू अ फॉरेन कंपनी ऑन और आफ्टर, स्टूडेंट्स इसका डेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, ऑन और आफ्टर कभी का डेट है ये, 5 जुलाई 2019 वुड बी डीम टू अक्रू, है एक ही सेंटेंस लेकिन देखो मैं इसको तोड़ रहा हूं, वुड बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, वुड बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ if the same is chargeable to tax, if the same is chargeable to tax
under section 56-210. यहां पर लिखो दैट इज वेयर द एग्रीगेट वेयर द एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड रुपीज 50,000 एंड द केस डज नॉट फॉल within the exclusions of section 56-210. तो ये कंडीशन स्टूडेंट सेटिस्फाई होगा तब जाके ही क्या ये मैंने एक ही देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसका हर एक पहलू है. पहली बात ये है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अगर नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट इंडिया में आके दिया गया है, नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट इंडिया में आके दिया गया, तो क्या आप फिर उस गिफ्ट को टैक्स करोगे? अगर वही नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट आप इंडिया में आके दे रहे हो, तो वेदर यू वुड हैव टैक्स दैट पर्टिकुलर गिफ्ट इन इंडिया, एन आंसर इज नो. ये आपको अगर टैक्स करवाना है तो बहुत ही जरूरी है कि ये गिफ्ट आपको देना पड़ेगा आउटसाइड इंडिया. अगर ये गिफ्ट इंडिया में दिया गया तो इसे आप टैक्स नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स. कहां पे? इस सेक्शन में नहीं कर पाओगे, मतलब कि ये जो 918 में नहीं कर पाओगे. गलत सेक्शन का अगर आपने रेफरेंस लिख लिया तो समझ जाना कि आपकी मार्क्स वहां पे डिडक्ट करने वाले हैं या तो जीरो ही दे देंगे. 918 में अगर आपको अटकाना है तो गिफ्ट का इंडिया के बाहर देना जरूरी है. अगर इंडिया में गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो तो वैसे ही टैक्सेबल है, आपको 918 में आने की जरूरत नहीं है. 918 में उस चीज पे टैक्स किया जा रहा है जो कि अदरवाइज इंडिया में अक्रू नहीं हुआ है, और इसी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ डीम्ड अक्रूवल जो कि मुमकिन होगा जब आपने गिफ्ट नॉन रेसिडेंट को दिया है आउटसाइड इंडिया, तो उसी डीम्ड अक्रूवल को टारगेट करने के लिए 918 को इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट बहुत क्लियरली. और फिर गिफ्ट 56-210 में तो तीन टाइप के गिफ्ट को रेफर किया गया, एक तो है मनी, दूसरा है इमोवेबल प्रॉपर्टी और तीसरा है आपका द मूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन अभी 918 के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सिर्फ पकड़ा है किसको, टू मनी, क्योंकि इमोवेबल प्रॉपर्टी तो वैसे ही इंडिया में है. इमोवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको देना भी है टू अ नॉन रेसिडेंट तो क्या इंडिया के बाहर दे पाओगे इमोवेबल प्रॉपर्टी? एंड आंसर इज नो, वो तो आपको इंडिया में ही देना पड़ेगा एंड देयरफॉर वो तो वैसे ही काम नहीं करेगा. तो इस वजह से मनी को ही उन्होंने रेफर किया, ये भी आप लोग ध्यान रखना. नेक्स्ट इज प्राइमरी, जो डेट है वो भी ध्यान रखेंगे कि इस डेट के पहले अगर गिफ्ट इंडिया के बाहर अगर दिया गया है टू द नॉन रेसिडेंट तो क्या आप उसे टैक्स करोगे अंडर द एक्ट? एंड द आंसर इज नो. इस डेट के पहले अगर आपने मनी गिफ्ट दिया है टू अ नॉन रेसिडेंट देन यू आर नॉट गोइंग टू टैक्स इट. और लास्ट में ध्यान रखना, ये जो गिफ्ट है ऑफ मनी दैट हैज टू बी चार्जेबल अंडर सेक्शन 56-210. और अगर इसको चार्जेबिलिटी बनानी है अंडर 56-210 तो बहुत जरूरी है कि पहला तो वो तो मॉनिटरी थ्रेशोल्ड को पार कर जाए, और 50,000 जो मॉनिटरी थ्रेशोल्ड है उसको वो पार कर जाए. और जो दूसरा पॉइंट है उसका बताइए क्या दूसरा पॉइंट है, कि ये वो एक्सक्लूजन जो है ना 56-210 में, लाइक फॉर एग्जांपल मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में गिफ्ट दिया जा रहा है, रिलेटिव से गिफ्ट मिला हुआ है, तो वो उस एक्सक्लूजन में ये नहीं आना चाहिए. तब जाके ही क्या होगा, ये चार्जेबल पूरी तरह से बनेगा. एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट वुड बी. इस पे भी मैंने क्या किया है एग्जामिनेशन में, मेरे MTP 1 में मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है एक तरीके से, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट वुड बी कंसिडर. तो लीजिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपका सेक्शन 9 अब कंप्लीट हो गया है. नाउ वी प्रोसीड ऑन आवर नेक्स्ट सेगमेंट. आइए जल्दी से अगले सेगमेंट में, कोई क्वेरी होगा तो पूछ लो. अब हम लोग पूरी तरह से अगले सेगमेंट में आ रहे हैं. स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी हमने देख लिया, तो वी हैव सीन नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्पेशल रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे हमने देख के, अब आते हैं हम लोग 1991. बिल्कुल अशोका, बिल्कुल सही. कोई क्वेरी पूछा रहेगा तो पूछ लो स्टूडेंट्स. अभी आ रहे हैं हम लोग 1991 में ऑन द डबल टैक्सेशन रिलीफ. अच्छा, और एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है बाय द वे, आपका बहुत पसंदीदा है, अगर आ गया एग्जामिनेशन में तो लॉटरी समझ लो आप लोग. बताओ कौन सा है, 115BBA, 115BBA नॉन रेसिडेंट के लिए, और एक स्पेशल रेट है 115BBA
वो कौन सा है? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, पता है ना आप लोग को? वो क्वेश्चन अगर आ जाए तो स्टूडेंट्स लॉटरी समझ के चलना आप लोग। तीन टाइप की नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसकी तीन टाइप की जो इनकम है वो 115BBA में एट ग्रॉस बेसिस एट अ स्पेशल रेट ऑफ 20% के हिसाब से टैक्स होगी। वो तीन इनकम है, एक इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन ऑफ मैचेस प्लेड इन इंडिया, सेकेंड इनकम फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टिजमेंट इन न्यूज़पेपर और मैगजीन, और तीसरा वाला जो पॉइंट है वो है आपका इनकम फ्रॉम एडवर्टिजमेंट। तो इनकम फ्रॉम एडवर्टिजमेंट, तो ये तीन इनकम जो नॉन रेसिडेंट के हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, उस पे आप स्पेशल रेट 20% का लगाओगे। अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि अगर आप ध्यान से सुनना इसको, अगर ये उस नॉन रेसिडेंट के पास अगर सिर्फ और सिर्फ उस नॉन रेसिडेंट के पास अगर सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही इनकम है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, और पेयर ऑफ दैट अमाउंट जिसने उसको नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पे किया है, तो वो पेयर ने अगर TDS डिडक्ट इसका कर लिया है, इसका TDS अगर डिडक्ट कर लिया है, तो फिर उस केस में उस नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को क्या है, एक एग्जेम्पशन मिल जाती है, और वो एग्जेम्पशन है फॉर फाइलिंग ऑफ द ROI, मतलब उसको कोई भी ROI फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो देर इज एन एग्जेम्पशन टुवर्ड्स द फाइलिंग ऑफ द ROI इफ द नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन हैज गॉट ओनली दैट थ्री इनकम एंड द पेयर ऑफ दैट अमाउंट हैज डिडक्टेड द TDS एंड पे टू द गवर्नमेंट। तो ये केस में क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो ये चीज आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इसके अलावा कोई और दूसरा इनकम है, चार इनकम है से फॉर एग्जाम्पल, और फिर TDS भले ही पेयर ने उस चौथे इनकम पे भी डिडक्ट किया हो, TDS भले ही उस पेयर ने उस चौथे इनकम पे डिडक्ट किया हो, तब भी क्या, तब भी आपको इस पर्टिकुलर इनकम पे, तब भी आपको क्या होगा, इस पर्टिकुलर इनकम पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये एग्जेम्पशन जो है रिटर्न ऑफ इनकम वाली वो आपको नहीं मिलेगी। यू विल नॉट बी गेटिंग एनी एग्जेम्पशन टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। दैट इज वन थिंग विच हैज टू बी मेड वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल भारती, ये MTP स्टूडेंट्स प्लीज देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ जो MTP मैंने बनाई है, 7 MTP, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस है, मैं बता रहा हूँ, अब ज्यादा क्या बताऊँ आप लोगों को, लेकिन ICAI की भी बुरी नजर हमारी MTP पर है, बहुत उम्मीदें हैं MTP से, स्टूडेंट्स को भी और ICAI को भी, वो लेवल के MTPs बनाई गई है। तो विदाउट फेल प्राइमरी आपको देखना ही है, 15 तारीख को मैंने बता दिया कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको उसकी आंसर मैं दे दूंगा, बट यू हैव टू सी दिस पर्टिकुलर MTP, दो टाइम तो देख कर चलना है। अब तो आपके पास टाइम भी है, एक्सक्यूज तो आप दे नहीं सकते कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, इज़न्ट इट? तो वो तो देना ही है स्टूडेंट्स, प्लीज बी केयरफुल। मैं बता रहा हूँ एक पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा आप लोगों का, अब तक जो कर रहे थे और अभी जो करोगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना। चलिए, अब ये टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने अपने मॉडल 7 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने डाल रखा है टॉपिक वाइज। आइए अब स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग 1991 में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA। स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस करना, एक होता है एम्पायर को नहीं कवर करते जसप्रीत, एम्पायर कवर नहीं है, एम्पायर इसके अंदर कवर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स DTAA। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। आगे बढ़ो, चलिए फिर DTAA में स्टूडेंट्स प्लीज बी केयरफुल। यहां पे एक चीज आपको केस स्टडी के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। पहले एक छोटा सा केस स्टडी से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इस केस में USA एंड इंडिया, मिस्टर जॉन USA के हैं,
मिस्टर जॉन यूएसए के, उन्होंने इंडिया से उनको इंटरेस्ट इनकम। कोई दिक्कत नहीं अब्दुल, अभी से चालू हो जाओ, बाद में आप उसको आरटी में देखना, लेकिन अभी मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ DDEE का। तो DDEE में एक दो कंट्री मैं ले रहा हूँ, यूएसए एंड इंडिया, यूएसए एंड इंडिया। यूएसए में है मिस्टर जॉन, वहां के रेसिडेंट है, और उन्होंने इंडिया में बताओ क्या कमाया है, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम की कमाई हुई है स्टूडेंट्स उनकी इंडिया से। तो बताइए जनाब, यूएसए उसके लिए, यूएसए का वो क्या है, मैं इसको यूएसए को लिखता हूँ COR, इस केस में मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स यूएसए को COR, और इंडिया को लिख रहा हूँ COS। COR का मतलब होगा कंट्री ऑफ रेसिडेंट, और ये COS का मतलब होगा कंट्री ऑफ सोर्स। तो उसका रेसिडेंट कंट्री जो है, दीक्षिता ने पूछा है कि अलॉन्ग विथ MTP दूसरा कौन सा मटेरियल रेफर करना है। दीक्षिता, एंड में ये जो टाइम है अब 2.5 महीने के टाइम पे, आप MTP 7 MTP है प्रैक्टिकल के लिए, तो बस अब वही रेफर करें। लगभग सारे चीज मैंने कवर कर लिया है, आप खुद ही देख के पता चल जाएगा और हैरानी होगी कि कैसे सब इतने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए और एकदम ट्रिकी तरीके से। इसके अलावा आपने अपने कुछ मार्किंग्स किए रहेंगे जो आपको ठीक लगता होगा, वो बस रखना। लेकिन ये ऐसे MTPs हैं कि जो आपके आंखें खोल देंगी, और आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, ये दो बार तो मुझे रीड करके ही जाना है, और जिससे मेरा पूरा सिलेबस एक बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाता है, दैट्स इट। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया ना, अगर आपको कुछ लगता है अपने एंड पे कि हाँ भाई, ये भी मुझे देख के चलना है, तो आप वो देख के चल लें, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टॉपिक वाइज कवरेज के लिए, टॉपिक वाइज भारती मैंने कवर तो किया है MTP में, अगर आप देखो तो मैंने सेगमेंट बना बना के किया है। सैलरी भी कवर की गई है स्टूडेंट, सैलरी भी कवर की गई है उसमें, MTP में सैलरी भी कवर किया गया है, जिसमें आप लोग सोच रहे हो कि नहीं आएगा, और वही आएगा। जो आप देखो, किस्मत सी ए स्टूडेंट्स की बहुत खराब रहती है, जो भी हम सोच के आते हैं ना कि ये नहीं आएगा, किस्मत इतनी खराब रहती है सी ए स्टूडेंट्स वालों की कि वही आता है। तो समझ के चलना, इसके लिए मैंने सैलरी उसमें डाला है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वो सोच के चाहते हो कि ये आने वाला नहीं है, और आपको ऐसा फील होगा कि कहीं IPCC का पेपर तो आपको फाइनल में नहीं आ गया, ऐसी फीलिंग भी IC आपको दे सकता है। तो उसके लिए आप रेडी रहे कि वो फीलिंग आपको शायद मिल जाए कि IPCC का पेपर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल पूरे 7 MTP में पूरा DT कवर है, आप देखना ना, सैलरी तक मैंने छोड़ा नहीं है, सैलरी है, क्लबिंग है, सब चीज कवर्ड है। आप एक बार नजर तो घुमाओ, आपको पता चले, आंखें खुल जाएंगी आपकी। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसमें आ जाते हैं, मिस्टर जॉन है, और इन्होंने इनकी क्रिश केस लॉ इंपॉर्टेंट, वो बाद में है, ठीक है। अब यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट इनकम, मैंने क्या कहा इंटरेस्ट इनकम को, कंट्री ऑफ सोर्स मैंने कहा है। मिस्टर जॉन यूएसए के हैं, इसको मैं क्या कह रहा हूं, कंट्री ऑफ रेसिडेंट। सो ये दो चीजें क्लियर रखना। अब बताओ, क्या ये इंडिया सोर्स कंट्री है उसके लिए, क्या ये 915 में अटकने वाला है, वेदर दिस इज गोइंग टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 915, वेदर दिस विल बी टैक्स अंडर सेक्शन 915, बताइए। बिल्कुल टैक्स होगा, ये 915 में उसका इंडिया में टैक्स होगा, और यहां तो क्योंकि वो वहां का रेसिडेंट है तो यहां पर तो टैक्स होना ही है। तो अगर बताओ यहां पे यूएस में टैक्स हो रहा है बीइंग रेसिडेंट, रेसिडेंट होने की वजह से यहां पे टैक्स हो गया, और यहां पे 915 में टैक्स हो रहा है क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम है, तो क्या ये डबल टैक्सेशन होगा, बिल्कुल है डबल टैक्सेशन। अच्छा, अगर डबल टैक्सेशन है तो हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या दोनों कंट्री के बीच में DTEE है कि नहीं, और अगर DTEE है स्टूडेंट्स तो यहां पे ध्यान रखना, DTEE में क्या लिखा गया है, चलो पॉइंट ए, DTEE लिखता है कि द सेड इंटरेस्ट इनकम शैल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल किया जाएगा, शैल बी टैक्सेबल ओनली इन COR। अगर ये लिख दिया स्टूडेंट्स DTEE ने, तो आपका आंसर बताओ क्या होगा। The said interest income shall be taxable only in country of resident.
अगर ये लिख दिया है DTW में स्टूडेंट्स, अगर ये लिखा हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट इनकम होगा ये सिर्फ कंट्री ऑफ रेसिडेंट में टैक्स होगा, तो फिर आप जनाब बताइए कि क्या फिर उस पर्टिकुलर केस में ये इनकम कंट्री ऑफ सोर्स में टैक्स किया जा सकता है? क्या उस पर्टिकुलर केस में ये इनकम को कंट्री ऑफ सोर्स में टैक्स किया जा सकता है? एंड द आंसर इज नो। आप फिर DTAA लगवा दोगे और DTAA में बोलोगे, क्या बोलोगे कि DTAA बीइंग मोर बेनिफिशियल, आपको एक सेक्शन पता होगा स्टूडेंट, सेक्शन 90 क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ एक्ट और द प्रोविजन ऑफ DTAA विच एवर इज बेनिफिशियल, आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। रीजन क्या लिखोगे, रीजन के तो मार्क्स है, लिखना होगा कि सेक्शन 90 में ये लिखा गया है कि द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द प्रोविजन ऑफ द DTAA विच एवर इज मोर बेनिफिशियल विल बी मेड एप्लीकेबल, दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होगा वही एप्लीकेबल होगा। और इसी वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में तो इसका आंसर क्या होगा, एज पर सेक्शन 90 द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ DTAA विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू दी SSC शैल बी एप्लीकेबल। ठीक है ना, बात क्लियर है आप लोगों को? तो अब मुझे आप बताओगे, और एक फिर क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, तो इसका जो पेयर होगा, जो इंडिया में जो पेयर है इंटरेस्ट जो पे कर रहा है, ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है इंडिया में जो पेयर है, क्या वो इंडिया का पेयर उस इंटरेस्ट इनकम पे क्या TDS डिडक्ट करेगा? क्या वो इंडिया का जो पेयर है उस इंटरेस्ट इनकम पे TDS डिडक्ट करेगा? विल दे बी डिडक्टिंग द TDS? आप बताओ जल्दी से, वो जो पेयर है इंडिया का उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम पे क्या वो TDS डिडक्ट करेगा या नहीं? सिचुएशन आपके सामने मैंने दे दिया है, बताइए TDS डिडक्ट करेगा? आंसर तो सभी ने देना है, जल्दी जल्दी बताते रहो, TDS डिडक्ट होगा? होगा TDS डिडक्ट? अच्छा, आप सभी लोग बोल रहे हो कि TDS डिडक्ट होगा, लगभग सब लोग बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, मैंने 195 में क्या बोला था आपको? यही बोला था कि इंटरेस्ट इनकम या फिर एनी सम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, उस पे क्या होगा, पेयर को TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एज पर द रेट इन फोर्स, रेट इन फोर्स। अच्छा बताइए वो क्या है रेट विच इज इन फोर्स, आप मुझे बताओ, ट्रीटी के हिसाब से मैंने बताया था, फिर ट्रीटी आपको देखनी पड़ेगी रेट इन फोर्स पता लगाने के लिए, और ट्रीटी क्या कह रहा है, क्या ये इनकम इंडिया में टैक्स लगेगा, क्या ये इनकम इंडिया में चार्जेबल होगा एज पर द ट्रीटी, जबकि इंडिया क्या है, कंट्री ऑफ सोर्स, तो क्या वो इनकम इंडिया में चार्ज होगा एज पर द ट्रीटी? एंड आंसर इज नो, आंसर इज नो। और क्योंकि ये इंडिया में चार्ज नहीं हो रहा है एज पर द ट्रीटी, इस वजह से ट्रीटी की रेट क्या बनेगी इंडिया के लिए, निल, कोई रेट होगा ही नहीं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो पेयर क्या करेगा, TDS डिडक्ट करेगा? अगेन आंसर इज नो, कोई इस पे TDS पेयर डिडक्ट नहीं करेगा, कोई TDS प्राइमली इस पे पेयर डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रीटी क्या बोल रहा है कि ये इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगा, ये कहां पर होगा, इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट। तो इस वजह से ट्रीटी की रेट इंडिया के लिए क्या है, इस केस में इंडिया के लिए क्या है, जीरो। तो बस बात खत्म, रेट इन फोर्स क्या है, जीरो, नो TDS वुड बी डिडक्टेड। ठीक है, कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। डिड यू ऑल गॉट दिस वन?
ठीक है। अच्छा ये जो पेयर है उसे ये कैसे पता चलेगा, आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो पेयर है जो अमाउंट को पे कर रहा है, ये जो पेयर है उसे ये कैसे पता चलेगा कि मिस्टर जॉन जो है वो यूएस का रेसिडेंट है, क्योंकि मिस्टर जॉन ने इंडिया यूएसए डीटीडब्ल्यूए को इन्वोक करके, मिस्टर जॉन ने इंडिया यूएसए डीटीडब्ल्यूए को इन्वोक करके क्या ले लिया है, बेनिफिट ले लिया है। क्या बेनिफिट ले लिया है? कि ये इनकम को इंडिया में टैक्स नहीं किया जा सकता, जो कि ये कंट्री ऑफ सोर्स, उसे हम टैक्स करेंगे कहां पे, ओनली इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट। तो फिर ऐसे केस में क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जो पेयर है इंडिया में इस इंटरेस्ट इनकम का, उसे कैसे यकीन होगा कि मिस्टर जॉन एक यूएसए का रेसिडेंट है और इसके लिए मिस्टर जॉन को इंडिया यूएसए डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट मिल जाएगा। हाउ डज द पेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम, पेयर ऑफ दैट इंटरेस्ट इनकम विल अश्योर हिमसेल्फ, उसको अश्योरिटी क्या कैसे मिलेगी, उसको अश्योरिटी कैसे मिलेगी स्टूडेंट्स इन दिस केस? बिल्कुल सही कहा, टीआरसी देनी पड़ेगी। ट्रीटी को इन्वोक करके आपने बेनिफिट ली, मानते हो ट्रीटी को इन्वोक करके आपने बेनिफिट ली, तो फिर ये तो बताइए जरा कि आप उस दूसरे कंट्री के रेसिडेंट है। एक चीज ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, ट्रीटी कौन इन्वोक कर सकता है? ट्रीटी को इन्वोक करने के लिए रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है इन वन ऑफ द टू कंट्रीज, तब जाके ही आप क्या है ट्रीटी इन्वोक कर सकते हो। तो अगर आपने इंडिया यूएसए का ट्रीटी को इन्वोक करके इंडिया से छुटकारा पाना चाहा, तो कम से कम ये तो बताते चलो कि आप यूएसए के रेसिडेंट हो। कैसे प्रूव करोगे कि आप यूएसए के रेसिडेंट हो? बाय फर्निशिंग द टीआरसी, जिसको हम कहते हैं द टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो यहां पे आप लिख दोगे इस कॉन्टेक्स्ट में, मिस्टर जॉन हैज टू फर्निश the TRC in order to invoke the concessional the treaty exemption. In order to invoke treaty exemption, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये है पॉइंट नंबर ए, कि अगर ट्रीटी ये कहता है, क्या कहता है, कि ये जो इनकम है, ये इनकम सिर्फ और सिर्फ COR में टैक्स किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर COR में टैक्स किया जा सकता है, तो ये देखिए प्रोसीजर आपके सामने है। दिस इज अ प्रोसीजर स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ये है प्रोसीजर आपके सामने स्टूडेंट्स। आइए पॉइंट नंबर बी की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर बी, अगर हम लोग ये कहें स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर बी में, एज पर डीटीडब्ल्यूए, अब हर एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन मान के चलना, जो अभी मैं लिखवा रहा हूं ना सब चीज, सबको आप क्या मान के चलेंगे, एज एन इंडिपेंडेंट सिचुएशन। तो सब जो है ये सब के सब है इंडिपेंडेंट सिचुएशन। तो आइए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर बी, एज पर डीटीडब्ल्यूए द सेड इनकम can also be taxable in COS. COS का मतलब है country of source. However, the rate of tax shall not exceed point number one 25% और पॉइंट नंबर टू 10%। मतलब ट्रीटी कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट की जो इनकम है, ये कंट्री ऑफ सोर्स में भी टैक्स किया जा सकता है, लेकिन जो रेट होगा इसका टैक्स का, ये 25% के ऊपर नहीं जा सकता। ये पहला केस में बता रहा हूं आपको, ये पहला केस में आपको बता रहा हूं, और दूसरे केस में मैंने बताया 10% वाला, दूसरे केस में मैंने बताया 10%।
तो दो सिचुएशन आपको यहाँ पे मैंने बताया है, या तो 25% और 20%, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक, इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर जरा देखेंगे स्टूडेंट्स, तो बताइएगा सेक्शन 90 होगा, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। सेक्शन 90 फिर से लिखोगे आप लोग, ये पूरा वापस लिखना पड़ेगा, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। प्रेजेंटेशन तो ऐसी होगी ना, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, ये तो पहला पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब बताए स्टूडेंट्स, जब एक तो चीज पक्की है कि ये टैक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि ट्रीटी ने कंट्री ऑफ सोर्स को भी इजाजत दे दी है, एक तो बात पक्की हो गई ना कि भाई ये टैक्स तो होगा ही होगा, और ट्रीटी ने तो कंट्री ऑफ सोर्स को भी क्या है, इजाजत एक तरीके से दे दी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि अगर ये टैक्स होगा, और जबकि ट्रीटी का रेट 25% है और एक्ट का रेट है 20%, ट्रीटी का रेट 25% है और एक्ट का रेट है 20%, तो बताइए किसके रेट के हिसाब से आप चलोगे, एक्ट का रेट या ट्रीटी का रेट, किसके हिसाब से आप चलोगे इस सिचुएशन में, एक्ट के रेट के हिसाब से चलना है या ट्रीटी के रेट के हिसाब से चलना है। ट्रीटी का रेट पहले ही पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पहले ही पॉइंट की बात कर रहा हूं, पहले पॉइंट में ट्रीटी का रेट मैंने कितना बताया आपको, 25%, एक्ट का रेट कितना मैंने बताया आपको, 20%। तो फिर किसके हिसाब से आप चलोगे, ट्रीटी के हिसाब से चलोगे या एक्ट के हिसाब से इस केस में। देन डेफिनेटली विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, तो ये बेनिफिशियल रेट क्या होगा, डेफिनेटली इट इज अ रेट एज पर द एक्ट, 20% का ही। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, 20% के हिसाब से आपको चलना है। अच्छा, यहां पर भी क्या टीआरसी की जरूरत महसूस होगी, ये भी इसका आंसर देते चलिए साथ ही साथ में, कि क्या यहाँ पे टीआरसी की भी जरूरत महसूस होगी या नहीं, ये केस में जरा आंसर देते हुए चलिए स्टूडेंट्स। वेदर फर्निशिंग ऑफ टीआरसी, क्या टीआरसी को फर्निश करने की जरूरत होगी या नहीं, मिस्टर जॉन को टीआरसी फर्निश करना पड़ेगा या नहीं, जल्दी बताओ टीआरसी फर्निश करना होगा या नहीं इस केस में, बताओ जल्दी से, करेंगे टीआरसी फर्निश मिस्टर जॉन। बिल्कुल सही कहा, देखो आपने कंसेप्ट पकड़ लिया है पूरी तरह से, बिल्कुल सही, टीआरसी इस केस में जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम तो ट्रीटी को इन्वोक कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, हमने तो ट्रीटी इन्वोक किया ही नहीं, और जब हमने ट्रीटी इन्वोक किया ही नहीं तो फिर टीआरसी की फर्निश करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा, सो यहाँ पे इस केस में ट्रीटी एक्ट का रेट ही चलेगा, मैं फाइनल पॉइंट लिख रहा हूँ वहाँ पे, 20% का रेट चलेगा, और फिर बाद में टीआरसी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, एंड आंसर इज नहीं, टीआरसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये पहले पॉइंट में आपका पॉइंट आया, दूसरे पॉइंट में जबकि, जबकि क्या है, एक्ट का रेट बताओ, एक्ट का रेट कितना है, 20%, और ट्रीटी का रेट कितना है, 10%। एक्ट का रेट इन दिस केस इज 20% और ट्रीटी का रेट कितना है, 10%। तो इस पर्टिकुलर केस में आप 20% के हिसाब से चलेंगे या 10% के हिसाब से चलेंगे, तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स एक्ट का रेट है 20 और ट्रीटी का रेट है 10%, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ट्रीटी के हिसाब से चलोगे और 10% का ही रेट यहाँ पे लगेगा। और अगर 10% का रेट लगेगा तो स्टूडेंट्स आ रहा है क्वेश्चन, क्या यहाँ पे टीआरसी फर्निश करनी पड़ेगी, एंड आंसर इज यस, क्योंकि मैंने कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट लिया है, इस वजह से मुझे टीआरसी फर्निश करना मैंडेटरी होगा, सो आई विल हैव टू देन फर्निश द टीआरसी। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए अब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आपने कर लिया कंप्लीट सभी लोगों ने, हो गया कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स इसी कॉन्टेक्स्ट में सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया, चलिए जल्दी से स्टूडेंट्स अब एक काम करेंगे आप सभी लोग,
केस स्टडी टू ले लें जल्दी से, और बस मैंने एक केस को घुमा देना है यहाँ पे। इंडिया यूएसए अभी भी वही रखूंगा मैं, बस फर्क ये होगा कि इंडिया को मैंने बना दिया COR और यूएसए को मैंने बना दिया COS। इंडिया को बना दिया COR और यूएसए को बना दिया COS। अब ये COR होने की वजह से, कंट्री ऑफ रेसिडेंट होने की वजह से, अब इसमें नाम देता हूँ मिस्टर जॉन, नहीं कंट्री ऑफ रेसिडेंट किसका है, किसका है रेसिडेंट कंट्री, मिस्टर पटेल का है, मिस्टर पटेल का है स्टूडेंट्स रेसिडेंट कंट्री, कंट्री ऑफ रेसिडेंट किसका है, मिस्टर पटेल का है। और अब वो यूएसए से क्या कमा रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम, तो मिस्टर पटेल जो है, जो इंडिया के रेसिडेंट है, वो यूएसए में कमा रहे हैं इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पर टैक्स लगना ही है सोर्स कंट्री होने की वजह से, और ये इनकम यहाँ पर भी टैक्स होगा बिकॉज इट इज अ कंट्री ऑफ, किस वजह से यहाँ पर टैक्स होगा, बींग अ कंट्री ऑफ रेसिडेंट, बींग अ कंट्री ऑफ वॉट, बींग अ कंट्री ऑफ रेसिडेंट, यहाँ पर भी टैक्स होगा। आ गया डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन यहाँ पर हो गई, और क्योंकि डबल टैक्सेशन हो गई है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो DTAA रेफर करना है, ठीक है, DTAA रेफर करेंगे आप, और DTAA में वही दो चीजें होंगी कि ओनली इन COR, टैक्स ओनली इन COR, तो ये दो सिचुएशन हो सकती है, टैक्स ओनली इन COR, तो अगर ये सिचुएशन है कि टैक्स ओनली इन COR, देन इट कैन नॉट बी टैक्स, इट कैन नॉट बी टैक्स इन COS एट ऑल। और दूसरा होगा यहां पे टैक्स ऑल्सो इन COS, टैक्स ऑल्सो इन COS, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स इस पे आप लोग ये रखिएगा। अब यहां पे आप लोग इसके नेट रिजल्ट निकालें कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा शुरू हो जाएगा, बाय वर्च्यू ऑफ दिस वी विल बी डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो यहां पर अभी आप टैक्स ओनली इन COS ये आपने अंडरलाइन कर लिया, इसको प्राइमरी ये लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन डे पे भी आपको रेफर करना होगा, हु इज अर्निंग यूएसए और इंडिया, देखिए ना क्या लिखा है यहाँ पे, मिस्टर पटेल ने इंटरेस्ट इनकम यूएसए में कमाया है, तो उसका ये कंट्री ऑफ सोर्स होगा ना, सोर्स मतलब इंटरेस्ट इनकम कहाँ पे कमा रहे हो आप, यूएसए में कमा रहे हो, तो कंट्री ऑफ सोर्स यूएसए, और मिस्टर पटेल इंडिया का रेसिडेंट है, तो वर्ल्ड इनकम उसका इंडिया में टैक्स होगा, तो इंटरेस्ट इनकम उसका इंडिया में टैक्स हो रहा है, इज़न्ट इट। DTAA में दो पोजीशन मैंने बताया आपको, पहला पोजीशन कि ट्रीटी कह रहा है कि ये सिर्फ टैक्स होगा इन कंट्री ऑफ रेसिडेंट, ये सिर्फ टैक्स होगा इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट, तो ये पहला पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर ये कहा जाता है कि ये सिर्फ टैक्स होगा इन कंट्री ऑफ रेसिडेंट, तो फिर इंडिया ही सिर्फ टैक्स करेगा, यूएसए इसको टच भी नहीं कर पाएगा, जैसे हमने उस केस स्टडी वन में देखा था, उल्टा केस था वो। दूसरे केस में मैंने क्या बोला है आपको कि यहाँ पे टैक्स ऑल्सो इन COS, टैक्स ऑल्सो इन COS मतलब कि ये कंट्री ऑफ सोर्स में भी ये टैक्स किया जा सकता है, अब बस अब आप क्या करना, इसके इनपुट्स निकालना दिमाग में अपने प्राइमरी की, क्या क्या इसके इनपुट्स निकल सकता है। 10 मिनट का ब्रेक अल्टीमेटली आप लोग लेंगे अभी यहाँ पे, 10 मिनट्स का ब्रेक आप लोग ले लो, और इस 10 मिनट के ब्रेक में इसके इनपुट्स निकाल के आइएगा आप लोग, तो कुछ 4:45 के टाइम पे रिज्यूम करते हैं, 4:45 मैं ये ऑन रखूँगा प्राइमरी लेक्चर, और 10:45 को 4:45 को शुरू करते हैं, तो आप लोग स्टूडेंट जल्दी से इसके इनपुट्स निकालो, और यहीं पे हम लोग डिस्कशन आगे जारी रखेंगे, तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो जल्दी से, एंड देन लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट।
चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. सो नाउ अगर ये बोल दिया जाए कि ये जो इनकम है कैन ऑल्सो बी टैक्स इन कंट्री ऑफ सोर्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही होगा कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये आप टैक्स कर सकते हो कहां पे? इन यूएसए. ये आप टैक्स कर सकते हो यूएसए में, मानते हो ना इस बात को? अच्छा, तो यूएसए तो डेफिनेटली टैक्स इसको करेगा ही करेगा, वो थोड़ा ना उसको जाने देगा. सो द यूएसए डेफिनेटली विल चार्ज दिस पर्टिकुलर अमाउंट फॉर टैक्स. क्वेश्चन मेरा आपसे स्टूडेंट्स ये है कि अगर यूएसए इसे टैक्स करता है, अगर यूएसए इसे टैक्स करता है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या फिर उस केस में इंडिया इसे टैक्स कर सकता है या नहीं? मतलब कहने का मतलब है कि अगर यूएसए ने इसे टैक्स कर दिया, वो जो कि करेगा क्योंकि ट्रीटी भी उसको इजाजत देता है, तो क्या ऐसा होगा कि इंडिया फिर उसे एग्जेम्प्ट कर दे? सो वेदर इंडिया इज गोइंग टू गिव एन एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट इनकम, क्या उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से, इंडिया की तरफ से एग्जेम्पशन हो जाएगी? एंड द आंसर इज नो. प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, इंडिया कभी भी एग्जेम्पशन मेथड को फॉलो नहीं करता है. तो हाँ, ट्रीटी के अनुसार ये इनकम क्या है, यूएस में टैक्स हो रहा है, लेकिन क्या आपने कोई एग्जेम्पशन वाली कोई सेक्शन देखी है जहां पे ये लिखा है कि हमने एग्जेम्पशन दी है फॉर दैट इनकम ऑफ अ रेसिडेंट हु हैज अर्न्ड द इनकम इन द फॉरेन कंट्री, और ट्रीटी के अनुसार वो इनकम फॉरेन कंट्री में टैक्स होगी, तो इस वजह से ये इस एक्ट में एग्जेम्प्ट होगा, ऐसे कोई प्रोविजन आपने एग्जेम्पशन का पढ़ा है? एंड आंसर इज नो. कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ट्रीटी में इंडिया का पोजीशन एकदम क्लियर है कि अगर एक इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का अगर रेसिडेंट, उसका अगर एक फॉरेन इनकम फॉरेन कंट्री में अगर टैक्स किया जा रहा है इवन एज पर द ट्रीटी, तो उसको हम रिलीफ एग्जेम्पशन के द्वारा ही दिलवाएंगे. सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव द रिलीफ टू आर इंडियन रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जेम्पशन, बट हम उसे रिलीफ देंगे, रिलीफ तो देनी पड़ेगी isn't it, हम उसे रिलीफ देंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे उसे रिलीफ दी जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स क्रेडिट. और इसी वजह से आपको एक रूल आया है, रूल नंबर 128 ऑफ द इनकम टैक्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स ये, और वो पर्टिकुलर रूल आपको रेफर करना होगा. और उस रूल के मुताबिक क्या होगा कि आपको ये टैक्स क्रेडिट का ये कंसेप्ट मिल जाएगा. तो यहां पे पहले लिखेंगे the said income shall be taxable in USA however being a resident comma the income will also be taxable in India the relief in respect of double taxation will be provided relief in respect of double taxation will be provided by tax credit method prescribed under rule 128 the relief in respect of double taxation will be provided by tax credit method prescribed under rule 128 to rule 128 mein students जो बताया गया है उसके मुताबिक ये चीजें होंगी. अब एक बार इसका क्विक मैं आपको ये बता देता हूं. रूल 128 में पहली बात तो ये है, दी टैक्स क्रेडिट कैन, इसके फीचर्स जल्दी से नोट कर लो आप लोग, कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय रेसिडेंट पर्सन, एक रेसिडेंट को ही इसका बेनिफिट दिया जाएगा, ये एक चीज है. दूसरा जो है,
The tax should have been paid. इन द फॉरेन कंट्री, तो पेमेंट बेसिस पर है, पेएबल वाला स्टेटस होगा तो ये उम्मीद करना कि फिर हमें उसका करस्पॉन्डिंग रिलीफ इंडिया के एक्ट में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इन द फॉरेन कंट्री, और फाइनली क्रेडिट शुड बी क्लेम for corresponding income offered to tax. So credit should be claimed. जो credit है वो claim किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हमने सिर्फ foreign tax के credit ले ली बिना वो foreign income को अपने टोटल इनकम का हिस्सा बनाए। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसका इनकम को अपने टोटल इनकम का हिस्सा नहीं बनाया, सीधा आपने क्या कर दिया, फॉरेन टैक्स की क्रेडिट ले ली। नहीं मिलेगा फॉरेन टैक्स की क्रेडिट, तभी मिलेगी अगर वो फॉरेन इनकम भी क्या है, आपने अपने टोटल इनकम का उसका एक हिस्सा बनाया। सो क्रेडिट शुड बी क्लेम फॉर करस्पॉन्डिंग इनकम ऑफर्ड टू टैक्स, तो ये आपका टोटल इनकम का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, दी फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो टैक्सेस कवर्ड है जो टैक्स कवर किया जाता है फॉर एफटीसी, वो कौन से हैं टैक्सेस स्टूडेंट्स? तो यहां पे देखिए, इनकम टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, बस इसी पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब है इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज, अगर ये होगा इस पे आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट। ये ध्यान रखना, इस पे तो मैंने एमटीपी पे कुछ थ्योरेटिकल कुछ केस स्टडी डाले भी है, इस पे आपको दांव पेच खेल के वो पूछ सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिख दो यहाँ पे, इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कंप्यूटेशन ऑफ क्रेडिट, जो कंप्यूटेशन होगा क्रेडिट का वो कैसा है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो कंप्यूट फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईसीआई स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं उनके सॉल्यूशन में अभी तक वो 128 का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा मेरे को उसके प्रेजेंटेशन में। मेरा मानना ये है कि अगर अब की बारी में क्वेश्चन एकदम क्लियरली वो लिखते हैं कि आपकी जो वर्किंग होगी दैट हैज टू बी एज पर द फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल्स, रूल 128, तो उसमें स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको उसको वर्कआउट करना है, लेकिन पहले इसको पॉइंट को समझना जरूरी है। तो यहां पे पहले लिखो, कॉम्पिटिशन ऑफ क्रेडिट, कंप्यूट फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉर ईच country lower off tax payable under the act, point number B, foreign tax payable, फॉरेन टैक्स पेबल। मतलब ये तो आपको पता ही है, आपने मन में 91 में भी रिलीफ का आपने कैलकुलेशन किया होगा, उसमें आपको ये पता होगा कि जो रिलीफ आप देते हो तो वो एवरेज रेट करते हो, एवरेज रेट को कंपेयर करते हो किसके साथ स्टूडेंट्स, विद द फॉरेन टैक्स रेट। एवरेज रेट को आप कंपेयर करते हो विद द फॉरेन टैक्स रेट, विच एवर इज लोअर वही रेट आप अप्लाई करोगे ऑन वॉट, ऑन दैट डबली टैक्स इनकम। क्या मैंने कहा? On that double taxed income, तो वो जो foreign income है
टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स डबल टैक्सेशन। यहां तो सुनना सुन, तो मेरे वर्डिंग्स बहुत ही तीखे वर्डिंग्स है ये, और आप इसको पकड़ने की कोशिश करना, मैं छोटा एक केस स्टडी भी अभी आपको देने वाला हूं। तो वो जो फॉरेन इनकम विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, उसी पे आप क्या करोगे, वो एवरेज रेट लगवाओगे। ऑन दैट ओनली यू आर गोइंग टू पुट अक्रॉस द एवरेज रेट, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे इस कॉन्टेक्स में। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पे एक पर्टिकुलर लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, वी आर गोइंग टू डू अ केस स्टडी ऑल्सो, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में पूरी प्रबल दावेदारी के साथ, तो इस वजह से थोड़ा केयरफुली हमें रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस पे जरा भी लापरवाही नहीं हो सकती है। यहां पर लिखना, क्रेडिट शैल बी डिटरमाइन बाय कन्वर्जन ऑफ द करेंसी of payment of foreign tax, payment of foreign tax at the TT buying rate on the last day, TT buying rate on the last day of the month immediately preceding the month immediately preceding the month in which the tax was paid or deducted। कहने का मतलब है, देखो फॉरेन टैक्स का जो अमाउंट होगा जिस पे क्रेडिट आपको चाहिए, वो तो आपने डॉलर में पे किया होगा, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर भी तो होना चाहिए ना INR में। तो कैसे आप INR में उसको कन्वर्ट, क्रेडिट तो फाइनली आपको क्रेडिट जो होगा वो तो आपको INR में मिलने वाला है, तो ये भी एक बात है। और एक बात आपको मैं बता दूं, सुनो जरा ध्यान से सुनना ये पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए अभी तक ICAI ने एक अटेम्प्ट में ही सिर्फ गेम खेला है, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन टैक्सेशन का स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अब के अटेम्प्ट में वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आपने ये पढ़ा था कि नहीं। जानते हो क्या, व्हाट इज अ कन्वर्जन फैक्टर, क्या कन्वर्जन फैक्टर से आप क्या करोगे इनकम को, क्या होता है, मेरा फॉरेन इनकम है। अब आप लोग को क्या बोला जाता है कि वो फॉरेन इनकम को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना इनटू INR। भाई टोटल इनकम का हिस्सा होता है कि नहीं होता है, 91 में भी तो आपने देखा ही था जब आप यूनिलैटरल रिलीफ का कैलकुलेशन करते थे, तो वहां पे 91 में भी आपने क्या किया था, जब 91 का कैलकुलेशन आप करते थे तो फॉरेन इनकम होता था, वो आप उसको टोटल इनकम का हिस्सा बनाते थे, फिर आप उस पे टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद टैक्स लायबिलिटी के बाद रिलीफ की कैलकुलेशन। तो पॉइंट ये है कि जब फॉरेन इनकम टोटल इनकम का हिस्सा बनता था, अभी तक आप लोगों ने जो देखा है वो ये है कि वो पहले से INR में कन्वर्टेड है, लेकिन भाई आपका नसीब उतना साथ नहीं देगा, क्योंकि अब आपके अटेम्प्ट में वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि फॉरेन इनकम जो है वो डॉलर में कमाया गया, जो कि वाकई में वही होगा, प्रैक्टिकली तो वही होगा ना, कि भाई फॉरेन इनकम डॉलर में कमाए जा रहे हैं या उस फॉरेन कंट्री के करेंसी में कमाए जा रहे हैं। तो पहला स्टेप आएगा कि जब वो फॉरेन इनकम को आप टोटल इनकम का हिस्सा बनाओगे, तो फिर उस पे आप एक कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन रेट लगा के उस पे क्या करना है, उस पे INR का अमाउंट लेकर आना है। कन्वर्जन रेट होगा, उसके बेसिस पे वो INR में कन्वर्ट होगा। एंड देयरफॉर द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू देयरफॉर इज कि वो क्या रेट अप्लाई करोगे, कन्वर्जन रेट क्या अप्लाई करोगे ऑन द फॉरेन इनकम सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू INR फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग इट एज अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। क्या है वो कन्वर्जन रेट, तो वो कन्वर्जन रेट स्टूडेंट्स यहाँ पे बस आपको दो तीन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस लिखवा देता हूँ, नोट करना यहाँ पे रूल 115। ये रूल 115 ध्यान रख के चलना, अब वो सब कसौटी पे आपको चलना पड़ेगा इस जुलाई के अटेम्प्ट में, जो अदरवाइज आप इग्नोर करते थे तो वो चीज आपको बख्श दिया जाता था, अब नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि ICAI से जवाब मांगी किया क्या आपने। तो 115 जो है, तो ये जो है रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ या फिर लिखो एक्सचेंज रेट,
एक्सचेंज रेट फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन इनकम अर्न्ड इन फॉरेन करेंसी। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, पहला आपके पास है सैलरी की इनकम आपने फॉरेन कंट्री में कमाई। अच्छा, ये सब टीटी बाइंग रेट ही है, ध्यान रखना। लास्ट डेट ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द सैलरी बिकम्स ड्यू। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द इनकम इज ड्यू। तीसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी आईएफओएस, देखो यहां पे अदर देन डिविडेंड, लास्ट डे of the previous year और एक आखिरी और एक पॉइंट लिख देना, पॉइंट नंबर 4, कैपिटल गेन्स लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, इन विच द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। कंप्लीट कर लो स्टूडेंट्स, एक छोटा मैं केस स्टडी आपको दूंगा ताकि एक केस स्टडी द्वारा इसकी एक एप्लीकेशन हो जाए, ताकि पता चले कि किस तरीके से इस पे कार्रवाई की जाती है जल्द से जल्द। सब लोगों ने कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स? कॉपी कर लिया तो आगे बढ़ा जाए। केस स्टडी दे दूं मैं आपको छोटा सा, आप ही को सॉल्व करके दिखाना है तुरंत के तुरंत, दो मिनट के अंदर बहुत चपलता के साथ ही कार्रवाई होगी आपकी तरफ से। तो केस स्टडी, पॉइंट 3 देख लो, जिसे जिनको पॉइंट 3 चाहिए कॉपी जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। थर्ड पॉइंट देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, गेम ऐसे ही खेली जाएगी एग्जामिनेशन में। अच्छा, बाय द वे पॉइंट नंबर 2 में स्टूडेंट्स ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या फिर यहां पे डिविडेंड भी लिख दो, डिविडेंड पॉइंट 2 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या फिर डिविडेंड लिख लिया आप लोगों ने। कंप्लीट हो चुका है तो बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और डिविडेंड लिखवा दिया आपको, ठीक है? ये ध्यान रखना, एक ही अटेम्प्ट में आया है अभी तक,
और ये बोले कि सर ये लेटेस्ट रूल है। अरे लेटेस्ट रूल नहीं है, बहुत पहले का रूल है। और आप लॉजिक सोचो ना, प्रैक्टिकली तो यही होता है। फॉरेन इनकम मुझे डॉलर में मिलता है और उसको फिर मुझे जब टोटल इनकम का मुझे हिस्सा बनाना होता है तो उसको मुझे किस में डालना पड़ेगा, INR में डालना है। INR के लिए मुझे कन्वर्जन का फैक्टर चाहिए। पहले तो टोटल इनकम में आ जाओ ना आप, और फिर कन्वर्जन का फैक्टर के लिए जब मैं कन्वर्ट करता हूँ और उसको INR में लेकर आता हूँ, तब जाके वो टोटल इनकम का हिस्सा होगा, टोटल INR में आ जाएगा मुझे इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी, और फिर बाद में रिलीफ की कैलकुलेशन, फिर बाद में रिलीफ की कैलकुलेशन। तो किस्मत वाले चल रहे हैं जो कि अब तक वो उन्होंने छेड़ा नहीं है इस चीज को, अब वो छेड़ने की कोशिश करेंगे। केस स्टडी एक छोटा सा ले लीजिए आप लोग, वही मिस्टर पटेल का ले लो। मिस्टर पटेल भारती अदर देन डिविडेंड, ये जो लिखा ना अदर देन, ऐसे लिख दो जो लिखा ना अदर देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिविडेंड, ऐसा लिख दो अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिविडेंड। अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिविडेंड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स। अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिविडेंड, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मिस्टर पटेल हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग, जल्दी कॉपी करो और 5 मिनट में आप ही को सॉल्व करना है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। He owns building. In London. अच्छा मिस्टर पटेल रेसिडेंट है, ये ध्यान रखना। He owns building in London. The same was on rent at pound sterling 12,500 per month. Municipal tax paid in London on 12th February 2020 was 10,000. He paid interest on loan taken for construction to HSBC UK of pound 13,000 per annum. The tenant deducted TDS at 20% on rent as on 31st March 2020.
कंप्लीट कर लिया। इंडिया एज DTAA विथ UK एंड द रेंट इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल इन UK एज पर DTAA एज पर DTAA। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अ लिटरेरी रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अ लिटरेरी बुक इन कंट्री टी is rupees 4 lakhs. The expenses incurred for earning royalty is rupees 60,000. Expenses incurred for earning royalty income is rupees 60,000. TDS deducted was at 10%. TDS deducted was at 10%. On the amount paid India does not have DTAA with country T. ठीक है, इंडिया डज नॉट हैव DTAA विथ कंट्री टी। आगे लिखिए, अदर इनकम इन इंडिया रुपीज 6 लाख्स। अदर इनकम इन इंडिया रुपीज 6 लाख्स। अदर इनकम इन इंडिया रुपीज 6 लाख्स। अब यहां पे लिखना फ्रेंड्स, टीटी बाइंग रेट आप लोग लिख लीजिए जो दिया गया आप लोगों को। टीटी बाइंग रेट March 31, 2020 1 pound रुपीज 60 उसके बाद
28 फरवरी 2020 1 पॉन 62। ये दो आपको डेटा दिए गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक कोशिश मारिए आप अपनी तरफ से। 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको। अशु, बोर्ड नहीं दिख रहा है। देखिए भाई, सिक्स थर्टी तक चलेगी भारती, 6:15-6:30 तक। जल्दी से इसका आंसर निकालो, देखते हैं कौन कोशिश करता है जल्द से जल्द। 5 मिनट का टाइम मिलेगा मैक्सिमम आपको। अपने हिसाब से जल्दी से कोई भी स्क्रॉल डाउन करके सॉल्यूशन निकालना है आप सभी ने। इसकी वर्किंग मैं आपको बताऊंगा पहले कैसे इसकी वर्किंग की जाएगी। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर अपना देना चालू करो। कोशिश आप लोग करेंगे क्योंकि आप लोग इसमें से गलतियां निकलेंगी जो कि काफी जरूरी है इस पूरे पॉइंट में। लुबना ने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दी है। बिल्कुल सही लुबना, आपका आंसर सही है। जसप्रीत ने भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दी है, उनका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बाकी सर बोल रहे कि सर बताइए जल्दी से, हमें भी सुनना है। आप भी कोशिश करो बाकी जैसे। कर लिया है स्टूडेंट्स, बस अब आखिरी का 1 मिनट है।
जितना कर सको। हर्षिता अशोका सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, सारे स्टूडेंट्स ने। चलिए स्टूडेंट्स, हर्षिता अदर सोर्सेस का आंसर आपने लिख रहा दीक्षिता का भी आंसर आ चुका, जसप्रीत ने रॉयल्टी की इनकम की भी आंसर दी है, बिल्कुल सही। देखो कोशिश मेहनत करना है, आपके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है भाई, कितना भी थकावट आ जाए करना है तो बस करना है शुरू, कोई दूसरा आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है। हर्षिता ठीक है, अशोका ने आंसर दे दिया, दीक्षिता का आंसर है जसप्रीत, हर्षिता, अशोका, लुबना। चलिए अदर सोर्सेस, मेरा नंबर रॉन्ग है, अदर सोर्सेस। चलो अभी हर्षिता 2 मिनट में पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फिर इतने स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है तो जहां तक आपने कर लिया तो एक बार देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मिस्टर पटेल देखो प्रेजेंटेशन कैसे जाएगी, ये रेसिडेंट है। तानिया ने भी अपना आंसर दे दिया, पर्टिकुलर भाई तरीके से करना है। थैंक यू। इसके स्टूडेंट्स 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये 10 मार्क्स का अल्टीमेट में रहेगा। प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, 2 कॉलम बनाना है, अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, ये भी ध्यान रखना। इस पे हमें हम लोग लापरवाही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और ए वाई लिख के चलना है, प्लीज़ प्रीवियस ईयर वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ए वाई लिख के चलना। ये असेसमेंट ईयर 2021 की वर्किंग कर रहे हैं हम टोटल इनकम की, जैसे मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि भाई टोटल इनकम ये क्या होता है, असेसमेंट किया था इन द असेसमेंट ईयर। तो ये जो टोटल इनकम हम लोग जो बना रहे हैं ना स्टेटमेंट, ये ए वाई में बना रहे हैं। तो बस ए वाई लिख देना, जब जब टोटल इनकम का आपको क्या है कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन के आधार पे, प्लीज हो सके तो लिखें अपने राइट हैंड साइड में ए वाई 2021 जो आपका ए वाई है। क्योंकि आप ये बता रहे हो किसको, एग्जामिनर को, वो भले ही उसको होश रहे या ना रहे, लेकिन आपने बताना है एग्जामिनर को कि भाई ये जो टोटल इनकम है इसकी कॉम्पिटिशन की जा रही है इन असेसमेंट ईयर, ये चीज आपको बता के चलना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हाउस प्रॉपर्टी का पहला हेड, तो हाउस प्रॉपर्टी में आप नोटिस करना, आप बोलोगे सर ये फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन कैसे होगी, सेम कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम अपन नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन लेते हैं ना, वैसे ही सेम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन है। आप बोलोगे कि वो कैसे करते हैं हम लोग, तो उसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ जीएवी। जीएवी के बाद बताओ क्या, म्यूनसिपल टैक्स पेड, म्यूनसिपल टैक्स पेड के बाद क्या होगा एनएवी, और एनएवी के बाद फिर बाद में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पर भी वही कैलकुलेशन लेना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप लेंगे रेंटल इनकम, रेंट जो रिसीव हुआ है, मैं पहले डॉलर्स का ले लेता हूं, फिर बाद में 115 अप्लाई करता हूं नेट अमाउंट पे। नेट अमाउंट पे मैं ये कर रहता हूं, 1.5 लाख का आपने रिसीव किया है 12,500 के हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली 1.5 लाख का ये हो गया 12,500 × 12, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1,50,000, इजंट इट, ठीक है। अब इसमें जैसे कि बताया गया आपको, ये आपका जीएवी हो गया एक तरीके से,
और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। म्यूनसिपल टैक्स पेड है होना चाहिए और इन्होंने $10,000 पे करवा दिया है। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये अब आ गया आपके पास एनएवी। एनएवी है 140,000 पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, तो ये 30% का कितना आ जाएगा, ये 42,000। और फिर इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसा लिख देना, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कितना होगा, ये 13,000, 13,000 का ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, isn't it? तो ये आपका IFHP आ गया यहाँ पे टोटल 85,000 IFHP। दिस इज ठीक है। अब टीटी बाइंग रेट स्टूडेंट्स हम कभी का लेंगे, टीटी बाइंग रेट हम कभी का लेंगे, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मैंने बताया ना 115 का टीटी बाइंग रेट एज पर रूल 115, एज पर रूल 115 ये लिया जाएगा एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का अगर आप देखो तो 60 है, और फिर आउटर कॉलम में आप लोग डाल दीजिएगा 51 लाख्स, 51 लाख्स में लिखा हूं, आउटर कॉलम में आप लिख दीजिएगा 51 लाख्स, ठीक है ना, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर तो 51 लाख्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स IFOS ले लेते हैं, रॉयल्टी की इनकम, रॉयल्टी इनकम। अच्छा बताओ क्या 115A का टैक्स रेट इसमें लगेगा, स्पेशल टैक्स रेट रॉयल्टी की इनकम के पे लगेगा, जल्दी बताओ इसका आंसर। रॉयल्टी इनकम कब आया ना, तो क्या 115A का रेट लगना चाहिए इसमें, असेसमेंट 115A के सेक्शन के अंदर होगा, वेदर दी असेसमेंट विल इट बी अंडर सेक्शन 115A, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी आंसर दो, क्या ये असेसमेंट इसकी 115A में की जाएगी या नहीं, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी इसी सेशन में जो हमने डिस्कस किया था, वेदर द असेसमेंट विल इट बी अंडर सेक्शन 115A। दीक्षिता ने आंसर दिया और बाकी ये लोग ने, उसका रीजन बताना क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, रीजन भी बताओ, हाँ या ना में काम नहीं चलेगा, रीजन भी बताने पड़ेंगे। जसप्रीत ने रीजंस के साथ अपना आंसर दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, 115A में असेसमेंट नहीं होगा क्योंकि मिस्टर पटेल जो है वो रेसिडेंट है, तो आप भूल जाओ इसमें कोई स्पेशल रेट लगने वाला नहीं है, ये कोई स्पेशल रेट लगेगा नहीं, और ये जो रेट होगा एज पर ये कहा जाएगा एज पर दी नॉर्मल रेट। तो रॉयल्टी ये बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आपने, लिखो यहाँ पे ये चीजें, देखो बात एकदम है, देखिए क्या होता है एग्जामिनेशन में ना ये चीजें इतनी ये हो जाती है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी चीज को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रेसिडेंट का क्वेश्चन है ये। अच्छा आपको पता है स्टूडेंट्स एक 115BBF में, अभी वो जसप्रीत ने ही सेशन में पूछा था 115BBF में क्या ये रॉयल्टी असेस होगी, 115BBF का सेक्शन आपको पता है, पहले बात बताओ 115BBF का सेक्शन आपको पता है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर ये रॉयल्टी इनकम जो मिस्टर पटेल ने कमाया है बीइंग अ रेसिडेंट, क्या ये इनकम को आप 115BBF में असेस करोगे या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे स्टूडेंट्स, क्या लगता है आप लोगों को 115BBF में ये रॉयल्टी इनकम असेस की जाएगी, रीजंस के साथ बता रहा है, सोच के बताओ रीजंस के साथ। आप बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मुझे 115BBF पता ही नहीं क्या है, ठीक है नहीं पता है तो 2 मिनट रुक जाना, बाकी का तो मैं आंसर ले लूं। जल्दी बताओ, क्या हो गया आप लोगों को,
बिल्कुल जसप्रीत ने देखो आंसर सही दिया है। देखिए जरा 115 BBF, सुनिए ध्यान से इसके बारे में क्या है। 115 BBF में स्पेशल रेट 10% का लगता है ऑन द रॉयल्टी इनकम अर्न बाय अ रेसिडेंट, ऑन द रॉयल्टी इनकम अर्न बाय होम बाय अ रेसिडेंट। लेकिन उसके अपने कंडीशंस हैं, और कंडीशन ये है कि ये जो रेसिडेंट है ही शुड बी फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेटेंट। वो पेटेंट का क्या होना चाहिए, वो इन्वेंटर होना चाहिए। तो ये जो रॉयल्टी है, मैंने आपको क्या बताया था, रॉयल्टी के बहुत सारे प्रकार बताए थे। एक रॉयल्टी था इंडस्ट्रियल रॉयल्टी जिसके अंदर पेटेंट आता है, और दूसरा और एक रॉयल्टी है जो कि कॉपीराइट रॉयल्टी है। तो जनाब ये जो 115 BBF वाली जो रॉयल्टी इनकम पे जो आप क्या लगा रहे हो, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगा रहे हो 10% का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है, वो भी पेटेंट पे जो आपको क्या है रॉयल्टी मिलती है उस पे। जबकि मेरा ये क्वेश्चन जो है वो कॉपीराइट आईपीआर वाली रॉयल्टी का है। तो ऐसे केस में कॉपीराइट या आईपीआर के रॉयल्टी पे 115 BBF का कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आप ये मत समझ के चलना कि भाई 115 BBF में रेसिडेंट ने रॉयल्टी कमाया तो उस पे 10% का कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लग जाता है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हाँ ये बात सही है कि रेसिडेंट ने रॉयल्टी कमाया उसको 115 BBF की तरफ देखा जाता है, लेकिन वो कौन सी रॉयल्टी है जो रेसिडेंट ने कमाया है इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि क्या वो कंसेशनल रेट ऑफ 10% का बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं। और वो रॉयल्टी का नाम क्या है, दी इंडस्ट्रियल रॉयल्टी, जो कि पेटेंट रॉयल्टी है। और भी कंडीशन है उसका 115 BBF में, कंडीशन है कि 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर पेटेंट वो आपका इंडिया में होना चाहिए। 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर टू डेवलप दैट पर्टिकुलर पेटेंट, ये एक्सपेंडिचर आपका कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, तब जाके ही हम आपको क्या देंगे, इसका बेनिफिट देंगे। ये है उसका स्टूडेंट अल्टीमेटली कंडीशन। तो ध्यान रखना ये वाला जो रॉयल्टी इनकम यहां पे कमाया गया है इस पे कोई भी स्पेशल रेट नहीं लगेगा। 115A तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 115A एप्लीकेबल है किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए। 115 BBF जो कि रॉयल्टी इनकम पे स्पेशल रेट लगाता है अर्न बाय अ रेसिडेंट, वो तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो पेटेंट पे क्या है आपको रॉयल्टी मिल रही है, एंड इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द कंडीशन लेड डाउन अंडर 115 BBF। तो इस रॉयल्टी पे स्पेशल रेट का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसी वजह से रॉयल्टी अर्न, बताओ कितना रॉयल्टी आपने अर्न किया है, 4 लाख का। अब क्योंकि स्पेशल रेट का टैक्स लगेगा नहीं स्टूडेंट्स, तो क्या उस पे एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं क्या उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल रेट का रॉयल्टी, स्पेशल रेट का टैक्स नहीं लग रहा है इस पे। तो क्या एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं ये रॉयल्टी को कमाने के लिए, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा, एंड द आंसर इज यस। लेकिन जो हमने देखा था पहले वाले केस में, जिस केस में स्पेशल रेट लगता है, जिस जिस केस में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है वहां पे एक्सपेंडिचर का क्या डिडक्शन आपको मिलता था, नहीं मिलता था। लेकिन क्योंकि इस केस में स्पेशल रेट का, स्पेशल रेट इस केस में नहीं लग रहा है, इस वजह से जो एक्सपेंस आपने इनकर किया टू अर्न द रॉयल्टी इनकम वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सो देयरफॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न द रॉयल्टी ₹40,000, और आ गया आपका 3,40,000। ठीक है, 3,40,000 आ गया स्टूडेंट। टीडीएस से 10% डिडक्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट आगे जीटीआई, बताइए कितना है जीटीआई। सॉरी ये 60,000 है, तो जीटीआई कितना आ गया स्टूडेंट्स, 54,40,000, 54,40,000 ये आपकी जीटीआई आ गई। लेस चैप्टर 6 से, भूल मत जाइएगा चैप्टर 6 से। बताओ चैप्टर 6 में कौन सा आएगा,
ATQQB की एंट्री आ चुकी है स्टूडेंट्स, बधाई हो आप लोग को। और इसका मैक्सिमम डिडक्शन ATQQB का बताओ कितना है, मैक्सिमम डिडक्शन ATQQB का कितना है? 3 लाख का है, जबकि आपके टोटल इनकम में कितना है? 3,40,000, जबकि मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं? 3 लाख तक ही आपको मैक्सिमम आपको इसका डिडक्शन दे सकते हैं। तो टोटल इनकम में ये मौजूद है 3,40,000 का, मैक्सिमम हम आपको डिडक्शन दे सकते हैं 3 लाख का ही, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स वुड बी कंसिडर्ड। तो ये है आपकी टोटल इनकम, टोटल इनकम है आपका 51,40,000। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, 51,40,000। अब आप मुझे टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करवा कर दो टिल सेस, रिलीफ नहीं कैलकुलेट करना आपने, टैक्स लायबिलिटी दो मुझे टिल सेस तक, HEC 4% तक, जल्दी से। अदर इनकम, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, अदर इनकम मिस कर गए, चलो ठीक है, अदर इनकम जोड़ दो यहां पे ही, इसमें अदर इनकम जोड़ देता हूं मैं, चलिए अदर इनकम 6 लाख का, मैं स्टूडेंट्स अदर इनकम को जोड़ देता हूं यहां पे 6 लाख का, और उस हिसाब से 60,40,000, 60,40,000, ये 60,60,000 कहां से आ रहा है दीक्षित आपको? साठ लाख चालीस हजार एक्सपेंडिचर इनकर्ड 60,000 का है, तो ये 3,40,000 यहां पर आ रहा है, और ये 6 लाख यहां पे ले लो, 51,000 ऊपर, 51 लाख ऊपर है, तो कितना हो गया टोटल? 60,40,000। तीन लाख आपने डिडक्शन लेना है, तो बना दो इसको 57,40,000। अब स्टूडेंट्स मुझे टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन बताओ टिल सेस, 4% सेस, बस रिलीफ विलीफ अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, रिलीफ मेरे साथ आप करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आप टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन बताइए। टिल सेस तक का मुझे चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए यहां पे, यहां पर भी गलती हो रही है। सरचार्ज वरचार्ज पे भी ध्यान देके चलना, ध्यान रखना 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लग जाता है। हाँ लुबना मैंने ले लिया 6 लाख अदर इनकम के रूप में, सरचार्ज पे भी ध्यान देके चलेंगे आप लोग। तो जल्दी देना स्टूडेंट, मेरा 6% ही बैटरी रह गया फोन का, आप लोग का आंसर बहुत जरूरी है। सत्रह लाख पचपन हजार 400 468, सरचार्ज 10% का मिला के, चलिए भरोसा करता हूं कि ये जो दिया है आपने सही है, सरचार्ज को कंसिडर करते हुए। ठीक है, अब मुझे इसकी एवरेज रेट बताइए, एवरेज रेट पता है ना कैसा होगा? 17,55,468 डिवाइड बाय 57,
पहली बार आप लोग भी टैक्स लाइव प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लाइव बैच में, एक अलग ही अनुभव मिल रहा है। आइए परसेंटेज बताइए जल्दी से। थर्टी पॉइंट फाइव एट, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये टैक्स आपका अब बन गया यहाँ पे और ये आपका रेट आ गया 30.58। अब लेस डबल टैक्सेशन रिलीफ, पहला वाला पॉइंट है 90 का जहां पे DTAA एग्जिस्ट करता है। पहला वाला पॉइंट स्टूडेंट्स है सेक्शन 90 में जहां पे DTAA एग्जिस्ट करता है विथ यूके, तो इंडिया एंड यूके। अब उसमें जो रेट आपको पता ही होगा, रेंटल इनकम बताइए रेट क्या लगाओगे। एक तो बताओ कि हाउ मच ऑफ द फॉरेन इनकम वॉज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, हाउ मच वॉज द फॉरेन रेंटल इनकम विच वॉज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, ये बताइएगा। कितना वो फॉरेन इनकम जो है जिसपे डबल टैक्सेशन लगा है, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, उसने TDS अगर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, यहां पर ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखोगे यहां पर वापस से पॉइंट नंबर वन में, तो यहां पे बताया गया है कि टेनेंट ने डिडक्ट किया है, टेनेंट ने डिडक्ट किया TDS एट 20% ऑन रेंट। रेंट पे उसने TDS डिडक्ट किया है, रेंट पे उसने TDS डिडक्ट किया है, मतलब उसने जो TDS डिडक्ट किया होगा वो 1.5 लाख पे किया है, 1.5 लाख पाउंड पे किया हुआ है, मानते हो ना इस बात को। तो 1.5 लाख पाउंड जो है जो पूरे साल भर का है उस पे उसने क्या है TDS डिडक्ट किया है, तो ग्रॉस बेसिस पे करते हैं TDS डिडक्ट। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा आपसे, हाउ मच ऑफ द रेंट इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, कितना पोर्शन रेंट का, कितना पोर्शन रेंट पे डबल टैक्सेशन लगा है, कितना पोर्शन रेंट पे डबल टैक्सेशन लगा है। तो आप नोटिस करना कि इंडिया में आपने भले वो वहां पे यूके में तो 1.5 लाख पे आपने किया है, लेकिन इंडिया में ध्यान रखना सारा डिडक्शन ले लेने के बाद ओनली $85,000 पॉन्ड, 85,000 पॉन्ड पे ही क्या है डबल टैक्सेशन हुआ है, क्योंकि आपने पूरे डिडक्शंस ले लिए और फिर नेट 85,000 पॉन्ड ही क्या होता है ये आपके इनकम के अंदर जाता है, टोटल इनकम में सिर्फ 85,000 ही चार्ज हुआ है आफ्टर क्लेमिंग द डिडक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं ओनली अप टू यूके पॉन्ड 85,000 इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, और मैंने क्या बताया वही फॉरेन इनकम विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन उसी पे आपको क्या मिलेगा रिलीफ मिलेगा। तो कितना अमाउंट ऑफ द फॉरेन इनकम पे आपका डबल टैक्सेशन हुआ है, तो उसका आंसर है 85,000 पाउंड्स। सो इट इज 85,000 पाउंड्स ऑन विच द इनकम इज चार्ज टू इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन आफ्टर इंडिया में डिडक्शन मिलने के बाद 85,000 पाउंड को ही क्या है वो टोटल इनकम का हिस्सा हुआ है, तो चार्ज तो उतना ही हुआ है, तो उतना ही फॉरेन इनकम, किस इनकम की बात हो रही है रेंट इनकम अर्न इन यूके, उतना ही फॉरेन इनकम पे क्या हुआ है डबल टैक्सेशन हुआ है, तो इसका मतलब फिर मुझे रिलीफ भी उतना ही देना है। तो 85,000 पाउंड प्राइमली दैट इज, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा 85,000 पाउंड को क्या कहूंगा, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, और इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे बताओ किससे, लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू, क्या रेट लगाओगे आप, रिलीफ दोगे ना आप इस पे डबल टैक्सेशन में रिलीफ दोगे, तो क्या रेट लगाओगे आप, 20% फॉरेन टैक्स रेट है, 20% फॉरेन टैक्स रेट है, और बताओ टैक्स रेट इंडिया का कितना है 30.58, तो कितना किस रेट से आप रिलीफ दोगे, 20% के हिसाब से दोगे आप, 20% के हिसाब से दोगे, तो ये मिल गया आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये मिल गया आपको क्या फॉरेन टैक्स क्रेडिट, सो दिस इज योर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो ये फॉरेन टैक्स पे क्रेडिट आपको इतना बनता है। अच्छा, एक रूल नंबर 128 में मैंने आपको क्या बताया था,
ये आपका बन गया फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो इतना तक का जो फॉरेन टैक्स है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये यूके पाउंड में है, ये जो आंसर आ रहा है यूके पाउंड में आ रहा है, आपको उसको INR में कन्वर्ट करना है। रूल नंबर 128 बताइए क्या कह रहा है। मैंने 128 आपको लिखवाया था, रूल नंबर 128 मैंने आपको लिखवाया था, व्हाट एग्जैक्टली इट सेज, देखिए जनाब जल्दी से। रूल नंबर 128 में देखो, सुनो, यहाँ पे कॉम्पिटिशन ऑफ क्रेडिट, कॉम्प्यूट फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉर ईच कंट्री, वो हम करेंगे, हम कर ही रहे हैं। पहले तो यूके का कर रहे हैं, यूके में से आपने HP इनकम कमाया और फिर आप दूसरा कंट्री टी है। अच्छा, दूसरा क्या है, क्रेडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन ऑफ द करेंसी ऑफ द पेमेंट, क्रेडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन ऑफ करेंसी ऑफ द पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्स एट द TT बाइंग रेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग द मंथ इन विच द टैक्स वॉज डिडक्टेड और पेड। तो कहने का मतलब है कि जो भी फॉरेन टैक्स होगा उस फॉरेन टैक्स का क्रेडिट हम कन्वर्ट करेंगे इनटू टीटी बाइंग रेट। तो ये हमारा फॉरेन टैक्स का अमाउंट है, इसको बताओ क्या कहा जाएगा, दिस वुड बी रेफर्ड एज फॉरेन टैक्स सब्जेक्ट टू क्रेडिट, ये होगा फॉरेन टैक्स सब्जेक्ट टू क्रेडिट, इस पे क्रेडिट आपको मिलने वाला है, बिल्कुल मिलेगा। अब इसी पर्टिकुलर फॉरेन टैक्स विच इज सब्जेक्ट टू क्रेडिट, इसको हमें टीटी बाइंग रेट से कन्वर्ट करना है, और किस डेट का टीटी बाइंग रेट आप अप्लाई करोगे, तो पता लगाइए कि किस महीने में TDS या टैक्स डिडक्ट किया गया था। तो ये TDS या टैक्स डिडक्ट किया गया था 31 मार्च को, ये टैक्स डिडक्ट किया गया था। तो एज पर रूल 128 जिस मंथ में टैक्स डिडक्ट किया गया था उसके पिछले मंथ का लास्ट डेट पे जो भी टीटी बाइंग रेट होगा, पिछले मंथ का लास्ट डेट, और पिछले मंथ का लास्ट डेट अपने क्वेश्चन में क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, 28 फरवरी 2020, और वो है आपका 62, 28 फरवरी 2020, और ये आपका बन रहा है 62। एंड देयरफॉर इन दिस रिगार्ड, ये अगर देखो इसका आंसर एक बार, 10,54,000 ये बनेगा आपका क्रेडिट अंडर दिस कैटेगरी, ये है आपका एज पर रूल 128। रूल 128, आइए स्टूडेंट्स सेकंड में 91 का केस है, क्योंकि उसके साथ इंडिया एंड कंट्री टी था। अब आप खुद बताओगे कैलकुलेशन करके, यहां तो चलो आपको कन्वर्जन करना नहीं है, INR में दिया गया, लेकिन अब आप कैलकुलेशन करके बताओगे कि कितना तक का क्रेडिट 91 का इस केस में मिलेगा, जल्दी से फाइनल आंसर बताओ, 91 में कितने तक का क्रेडिट आपको इस केस में दिया जाएगा, जल्दी कैलकुलेशन सारे स्टूडेंट्स करेंगे। यश का आंसर आ चुका, कर लिया कंप्लीट आप लोग ने, देखते हैं फिर आप लोग सही है गया हो कि नहीं। मुझे पहले बताओ फॉरेन इनकम विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन कितना है, वो रॉयल्टी इनकम विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन। तो आपको तो पता ही है कि भाई फॉरेन में तो उस पर TDS डिडक्ट आपने किया था एट 4 लाख, 4 लाख पे आपने TDS डिडक्ट करवा दी, लेकिन इंडिया में क्या 4 लाख पे आपने TDS डिडक्ट करवाया है? एंड आंसर इज नो, 4 लाख पे आपने TDS डिडक्ट नहीं करवाया, इंडिया में आपने क्या किया बताओ जल्दी से। तो इंडिया में आपने 4 लाख पे नहीं करके आपने जो TDS डिडक्ट, सॉरी इंडिया में जो
रॉयल्टी इनकम टोटल इनकम का हिस्सा बना है फॉर दी पर्पज ऑफ चार्जेबिलिटी, वो 4 लाख नहीं है, कितना है? आपने 60,000 का तो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले लिया, फिर 3 लाख का तो आपने क्या किया है, ATQQB में डिडक्शन ले लिया, तो फिर फाइनली कितना बचा है टोटल इनकम में? कितना बचा है टोटल इनकम में? ओनली 40,000, ओनली 60,000, सॉरी ओनली 40,000, ओनली 40,000 यही बचा हुआ है स्टूडेंट्स, सिर्फ 40,000, सिर्फ और सिर्फ 40,000 ही क्या है बचा हुआ है। क्यों 40,000 बचा है? 4 लाख था, उसमें से 60,000 का आपने डिडक्शन ले लिया था, किसमें से? एक्सपेंडिचर के रूप में, बच गया 3,40,000, और 3,40,000 में से फिर आपने क्या किया, 3 लाख का डिडक्शन ले लिया था ATQQB में, तो फाइनली टोटल इनकम में कितना रॉयल्टी इनकम गिरा है, विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, सो फॉरेन इनकम सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन इज ओनली 40,000, तो फॉरेन इनकम, इसको कहेंगे फॉरेन इनकम सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन इज ओनली 40,000, और बताइए क्या रेट लगवाऊं उस पे? फॉरेन रेट इस पर है कितना है? 10% का फॉरेन रेट इस पर कितना है? 10% का, विच इज वॉट इज बिन गिवन, और यहाँ पे एक्ट का रेट कितना है? 30 point something, तो डेफिनेटली मैं क्रेडिट दूंगा 10% के हिसाब से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कितना ये आ जाएगा? 4,000, तो 4,000 की क्रेडिट आपको दी जाएगी, एंड फाइनली यू विल गेट वॉट द टैक्स विच इज पेबल, तो टैक्स पेबल ये आपको फाइनली अमाउंट आ जाएगा। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और भी कपल ऑफ क्वेश्चन होंगे, आप लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, यू विल ऑल प्रैक्टिस दिस, और भी 2-3 क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग स्टूडेंट्स। आपकी नजर किस में रहेगी? आपको ये वाला कॉम्बिनेशन अभी तक मिला नहीं रहेगा, रूल 128 का ये वाला पॉइंट, अगर फॉरेन रेट अगर वो टैक्स बताए देते हैं वो स्टूडेंट इस तरीके से, तो प्लीज नोटिस करना, इसका सोल्यूशन ऐसा निकालेंगे, आपको टीटी बाइंग रेट वो देंगे कि भाई टैक्स इस महीने में कटा है और फॉरेन इनकम है वो भी डॉलर में दिया गया है, तो प्लीज एंश्योर करना जैसे आपने सॉल्व यहाँ पे किया है ना उसी तरीके से इसको वापस से देखना, क्योंकि ये आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ पे अटकेंगे सारे बच्चे लोग। मैक्सिमम जो सोल्यूशन मिलता है ना आपको ऐसा मिलता है, ये वाला इस तरीके से मिलता है, ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, सारे ICAI के क्वेश्चन ऐसे ही बने होंगे, ये आपने पहली बार देखा होगा ये क्वेश्चन इस टाइप का, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन तभी होगा, ये कॉम्बिनेशन ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, तभी होगा जब फॉरेन इनकम डॉलर पे दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि इसकी टैक्स डिडक्ट की गई है ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, इनकम आपका फॉरेन इनकम अल्टीमेटली डॉलर पर है, और आपको ये भी बताया गया है कि उस पर TDS इस डेट पर डिडक्ट किया है, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद होंगे तो फिर आप TT बाइंग रेट को आप क्या कर सकते हैं, रूल 128 के हिसाब से फॉरेन टैक्स का क्रेडिट का कैलकुलेशन आप इस तरीके से लाओगे। आपने मैंने इसके लिए ये जानबूझ के आपको सेकंड पॉइंट भी दिया है कि सेकंड पॉइंट में ऐसा कैलकुलेशन हमने सिर्फ फॉरेन इनकम सब्जेक्ट टू व्हाट, डबल टैक्स, बस वहां तक ही हमने किया है जो यहां पर किया था, फॉरेन इनकम सब्जेक्ट टू डबल टैक्स, तो हम वहीं तक अल्टीमेटली कॉमन है, लेकिन बाद में आगे अल्टीमेटली निकाल के खत्म कर दिया हमने। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि यहां पे फॉरेन इनकम जो है इन पॉइंट नंबर 2, फॉरेन इनकम जो है इन पॉइंट नंबर 2 वो डॉलर पे नहीं है, फॉरेन करेंसी में नहीं है, और ICAI के अब तक के जो क्वेश्चंस बने हैं प्राइमली वो किस पर थे, वो सब INR, फॉरेन इनकम INR में देता है वो, और क्योंकि फॉरेन इनकम INR में दिया जाता है इस वजह से आप लोग पॉइंट नंबर 2 जैसा सॉल्व किया ना वैसे सॉल्व करके खत्म कर देते हो, रूल 128 का तो आपको पता भी नहीं चलता कि रूल 128 की इफेक्ट कैसे देनी है, तो रूल 128 की अगर आपको इफेक्ट देनी है तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना होगा, इस तरीके से अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन चाहिए होगा कि आपको बस फॉरेन इनकम जो मिलना चाहिए वो फॉरेन करेंसी में मिल जाना चाहिए, और ये बता देना चाहिए कि भाई उस पे टैक्स फॉरेन कंट्री में किस डेट पे किया गया, अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाए तो रूल 128 में जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बारी आएगी, रूल 128 में जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बारी आएगी तो उस पे इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पे आपको इसका रिलीफ देना है। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ये बस आपको बताना था, ये काफी क्रिटिकल है, एंड दैट एग्जैक्टली इज हाउ द थिंग्स हैज टू बी कंसिडर्ड। तो ये स्टूडेंट्स आप इस पे और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्लास में आपको ए पास करके आप क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये यूनिक है, नया था, इसके लिए मैंने करवा दिया। अब आपको स्टूडेंट्स थियरी में बस मार्क कर लेता हूँ
क्या क्या करना है आपने, ये अब आपको इसके बाद वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन लिस्ट था, आइए जल्दी से फिर से उसमें। रोहित ने कहा है कि सर एक बार बताओ 62 कैसे आया, 62 कहां पे, ये देखो ना फॉरेन टैक्स में रूल 128 में देखो क्या लिखा है, 128 में क्या लिखा हुआ है, आप रूल 128 में देखो रोहित, आपको 62 के लिए रूल 128 को देखना पड़ेगा। एंड व्हाट दिस रूल 128 सेस, फोकस करें रूल 128 में। ये देखो यहां पे क्रेडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये कौन सी क्रेडिट की बात हो रही है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन ऑफ करेंसी ऑफ द पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्स, तो फॉरेन टैक्स का अमाउंट निकालना है, कैसे निकालोगे फॉरेन टैक्स का अमाउंट, वो फॉरेन इनकम विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्स अप्लाइड बाय द एलिजिबल रेट विच इज लोअर ऑफ the foreign rate and the act rate, तो ये foreign tax क्या होगा, वो foreign income which is subject to double taxation और उस पर apply करना है the lower of the falling rate, that is the foreign rate and the act rate, तो वो आपको दे देगा foreign tax, जो कि मैंने calculate करवाया 85,000 जो foreign income which is subject to double tax, $85,000 into what 10%, I think 20% जो था, तो वो उससे मुझे मिल गया फॉरेन टैक्स, और उसको मुझे टीटी बाइंग रेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द टैक्स वाज पेड और डिडक्टेड, तो किस डेट पे इसका डिडक्ट किया गया था टैक्स को, 31 मार्च को, तो उसको मुझे फिर प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट डेट लेना है, वो क्या लेंगे हम 28 फरवरी, और 28 फरवरी को क्या रेट चल रहा है 62, 28 फरवरी को क्या रेट चल रहा है 62, सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसीडर्ड, आई होप दैट यू हैव गॉट होल्ड विद दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स आइएगा, देखें अपने चेकलिस्ट में आप सभी लोग कहां तक पहुंचे हैं, चेकलिस्ट में आ जाओ सारे स्टूडेंट्स। एनआर टैक्सेशन का चेकलिस्ट जो सुबह को करवाया था आपको, आइए 1991 कर लिया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीटीडब्ल्यूए ये आप लोग देखेंगे, और इसमें क्या क्या देखना है, ये पीई देख लेना, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन, और आर्टिकल चार्ट, ये जो टाई ब्रेक रूल, ये आपके पास ऐसा नहीं कि मैं कुछ बताऊंगा नया, ये सब चीज आपको पता है, पास्टर के क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है, तो पास्टर का ही करना है, ये चीज ध्यान रखना। इक्वलाइजेशन ले भी आसान कंसेप्ट है, बस स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये जरा एक बार देख लेना, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, बाकी तो आप कर ही रहे हो, साथ साथ में इस बार ये इंटरेस्ट और पेनाल्टी ठीक से देख लेना, बस ये दो आपका असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ प्राइमरीली, ताकि ये चीज कंप्लीट आप अपने एंड पे कर सकते हो, इसमें कोई नया चीज नहीं है करने आने के लिए, ये असाइनमेंट के रूप में आप ले लीजिएगा, ताकि अब जो कल वाला सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो एनआरआई टैक्सेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एडीआर जीडीआर, और फिर उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग की तरफ बढ़ेंगे। कल मॉर्निंग का टाइम स्टूडेंट आपको पता ही होगा, कल मॉर्निंग का टाइम बताओ कितना है, 8:30 AM का है, ठीक है, और फिर वहां से 6 PM तक वी विल हैव आवर लेक्चर्स सो एज टू कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली द एरियाज जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लिया आप लोग ने, ठीक, एनी क्वेरी पूछ लो, यहाँ पे 3% का चार्ज है मेरे पास, पूछ लो कोई क्वेरी अगर होगा, तो वाइंड अप करते हैं फिर आज का, बस ये होमवर्क मैंने बताया कर लेना तुरंत के तुरंत, DTAA बेसिक प्रिंसिपल में PE का डेफिनेशन देख लेना, आर्टिकल 4 और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, और एक है, तीन चीज देखना, PE का डेफिनेशन, आर्टिकल 4 एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज, ये तीन चीज। इक्वलाइजेशन लेवी पे उसकी इंटरेस्ट और पेनाल्टी की कैलकुलेशन बस वो देख लेना, दैट शुड बी ऑल, और बाद में एनआरआई और ये जो टैक्सेशन ऑफ FIR एडीआर जीडीआर मैं आपको कल सुबह को स्टार्टिंग में करवाता हूँ। कल भारती मैंने कहा ना आपको टैक्सेशन एनआरआई टैक्सेशन ऑफ FIR एडीआर जीडीआर और नॉन और ट्रांसफर प्राइसिंग के टॉपिक कल करवाई जाएंगी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक क्वेरीज अगर होगा तो पूछ लो बिफोर आई क्लोज दिस सेशन।
चलिए ये पीडीएफ भी शेयर कर देना। वैसे तो जरूरत नहीं है पीडीएफ की, कोशिश करता हूँ उसको शेयर करने की, क्योंकि आप सभी लोग को ये लिखना था, बहुत जरूरी था ना लिखना। नहीं लिखोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? ये इसके लिए ये वाले पीडीएफ पे लिखावट बहुत जरूरी थी। इतने ट्रिकी अब 128 अगर हम लोग रीड करेंगे ना, मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये रीड करके कभी दिमाग में जाएगा भी नहीं। जब तक एक बार नहीं लिखोगे ना, ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है दिमाग में जाने के लिए, क्योंकि इतनी बारीक चीज़ें होती है, इसको उसके साथ कन्फ्यूजन, वो उसके साथ कन्फ्यूजन। आप बस इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। फाइन स्टूडेंट्स, और कुछ एनीथिंग जो आपको क्वेरीज के रूप में होंगे तो बताइएगा। हाँ, इतना तो है कि जितना अब तक डीटी में नहीं लिखा होगा वो आज ही लिख दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्लोज कर लेता हूँ स्टूडेंट सेशन को। हाँ, कल 8:30 को स्टार्ट होगा। नहीं जसप्रीत, अभी रेलिवेंट नहीं है वो वाला, क्योंकि वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है सेक्शन 115JH। तो जब तक वो टेक ऑफ नहीं करता तब तक उसकी रेलिवेंस नहीं रहेगी। तो नोटिफाई करना उसको जरूरी है, तब जाके उसकी रेलेवेंस बनती है। ठीक, तो फिर चलिए स्टूडेंट्स, कल 8:30 का होगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, ये दो छोटे टॉपिक्स करवा दूंगा, NRI और FI। इसमें FI पे एक सरचार्ज का एक मुझे कैलकुलेशन आपके साथ करवानी है, इसी वजह से, क्योंकि एक सरचार्ज का कैलकुलेशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है प्रैक्टिकल लेवल पे। वो हो जाए फिर उसके बाद आपको मैं ट्रांसफर प्राइसिंग की तरफ लेके जाऊंगा। हाईएस्ट रेट का किस की बात कर रहे हो आप? ट्रस्ट टैक्सेशन MMR की बात कर रहे हो? वो ट्रस्ट टैक्सेशन रवि सर लेने वाले ऑन ट्यूसडे, ऑन 14th or 15th मॉर्निंग में, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कर लेना। सिद्धार्थ सर अमेंडमेंट पे लेक्चर ले रहे हैं। ठीक दिनेश, वही आप बोल रहे हो ना, हाईएस्ट रेट जो ट्रस्ट में आ रहा है। वो वाला रेट बोल रहे हो? ठीक है, मैं एक बार 78% का क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देखता हूँ वैसे कि किस कॉन्टेक्स्ट में होगा। लेकिन चलो, वो तो नॉर्मल है, जब जब 60 to 69D एप्लीकेबल होगा उस पर्टिकुलर इनकम को बाय डिफॉल्ट 78% में आना ही पड़ेगा। तो जहां तक मैं समझता हूँ, वो आपको एक केस स्टडी के रूप में आएंगे कि भाई उसका एक ये इनकम मिला है, असेसिंग ऑफिसर ने इसका सोर्स पूछा था, वो सोर्स बताने में सक्षम नहीं था, तो इस वजह से AO ने क्या कर दिया होगा, उसको 68 से लेकर 69D का कोई एक सेक्शन होगा उसमें उसको अटका दिया है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो उसकी इनकम की अमाउंट है वो अमाउंट पे क्या रेट लगाएगा, वो 60% प्लस 25% प्लस 4%, तो 78% का इसका एक टैक्स हो जाएगा। तो ये ऐसे टाइप के केस स्टडी टाइप का केस बनेगा। तो अकॉर्डिंगली वहां पे क्या होगा कि वो आपसे पूछेगा इसका सोर्स, और वो आप उसके एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, और इस वजह से उसने आपको 68 से लेकर 69 डी तक की उसकी इनकम उसको बना दी है। और एक बार उसकी वो इनकम बन गई 68 से लेकर 69 डी का कोई भी एक सेक्शन में, और फिर उसमें क्या करना है, 115BBB का जो टैक्स रेट है 78% का वो लगवा देगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स। अरे ऐसी बात नहीं है, सारे
सर टीचर अच्छे हैं इसमें, और उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आप लोग अब स्टूडेंट्स बस ये होमवर्क तुरंत कर लेना जो मैंने बताया आपको, दो टाइम मत रखना। तो पता चला इतना सब किया और आया क्या, इक्वलाइजेशन ले दिया गया, इंटरेस्ट जो हमने छोड़ के गए वही तो मैंने बताया ना, बैड लक हमारी इतनी होती है कि जो नहीं करते बस वही आ जाता है। तो किया सब इतना और आया एग्जामिनेशन में क्या, आज पूरा दिन किया आया एग्जामिनेशन में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ DTAA, पी पे थियरी पूछ लिया और इक्वलाइजेशन लेवी पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछ ली। ये होता है, इसे कहते हैं किस्मत। सीए स्टूडेंट्स की किस्मत ऐसी होती है, पता चला आप लोगों को? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अब कल के दिन 8:30 को, कर लेना जो मैंने बताया। फाइन, ठीक है।